चलो बच्चा लोग यस 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 ये बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस बच्चा लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अबे नाले गुड इवनिंग चलो सब रेडी है यस yes. yes. अरे तू कैसे गई चलो बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन है सब लोग रेडी सब लोग चलो क्या बात है गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड चलो एक काम को लाइक ठोको बच्चों हाँ कैसे देखे नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो अलग स्टाइल था हर बार सेम स्टाइल नहीं बोलने का ठीक है ना ये कर लेंगे अभी ठीक है ना यस बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो क्या बात है राजा राजा बेटा संकेत मजे ले रहे मेरे क्या मस्त लग रहे हो सर मजे ले रहे यस चलो आगे सब लोग अपने दोस्तों को बुला के ले गए फटाफट फटा आ जाओ आज जो डॉपी के एक सीएमए कर एफएम का चले गए ना पक्का चलो सब खा पी के बैठे ना स्नैक्स और हो गया एफ एम नहीं होगा ना एफ एम भी होगा बेटा उन्नति जस्ट में एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया सर आप सुबह से पढ़ा रहे कहा बेटा सुबह से पढ़ा रहे हो रहे सुबह सात से बच्चों गुड इवनिंग अरे गुड इवनिंग ज्यादा ना ऐसे गिर जाएगी ठीक है ना संभाल के बात कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना परेशान मत कर चलो सर शुरू कर लेते अब देखो नाले को, आज का अपना टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन सीएमए का क्या ये टॉपिक आपने पहले पढ़ाई क्या कलिश पड़ा है अरे कल रे नालायक कल दोपहर को दुपारी ओ कल दोपहर को याद है क्या इसका हमने प्रैक्टिकल बच्चों किया था मैंने बताया था हाउ टू फाइंड मैनेजरियल रेमुनेशन याद आ रहा है क्या इसके समय याद आ रहा है क्या एक वोल टाइम के लिए कितना देंगे बोल हाँ यस कर रही है लक्ष्य देखा क्या? क्या हाँ बस बस क्या बात वेरी गुड बेटा ठीक है ना चलो वो धोनार बच्चा अपने बैच में आ गया वेरी गुड बेटा ठीक है आई एम प्राउड ऑफ यू चलो सब मुझे तो ये सारा किया था बेटा जी अब देखो सभी इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा थ्योरी थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल को डिस्कस करना बेटा जी ओके सर इस चैप्टर में थ्योरी के कंसेप्ट भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ओके okay. चलो सब रेडी है कोई तकलीफ चलो ओके okay. चलो सर शुरू करा मैं तेरी जल्दी 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 बैठ जाओ बेटा फास्ट फास्ट बैठ जाओ चलो बेटा अब अच्छा मुझे बताइए चैप्टर का नाम क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन चैप्टर का नाम कैसा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन अब देखो सर ये चैप्टर बेसिकली बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो बच्चों हमने चैप्टर नंबर टू पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू सुन बेटा हमने चैप्टर नंबर टू पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर टू में हमने इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था अब इस चैप्टर में हमको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट कुछ क्रिटिकल पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना है जैसे एक डिस्कस किया था मैनेजरल रेम्यूशन उसके अलग मिनि क्रिटिकल पॉइंट जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिट करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पे उनके क्रिटिकल पॉइंट पता होने चाहिए अब ध्यान दीजिए बेटा अब देखो ये चैप्टर में सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पहले मुझे कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू क्यों करती है बड़ा से अगर किसी को भी कंपनी के बारे में अगर अगर जानना होगा किसी को भी कंपनी जानना होगा तो कंपनी बारे जानने के लिए आपको एक समराइज स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा पूरे साल भर में आपने क्या क्या सब पूरे साल भर में कंपनी क्या ऑपरेशन के उसको समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बेसिकली ऐसा कहा जाता है देर आर फोर टाइप्स ऑफ जनरल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन है सर जी जनरल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा सर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या फिर याद है क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये चार मेरे कौन है जनरल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है So, दोबारा बताइए सर कितने जनरल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है चार बोलो क्या क्या सर इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर जितनी भी थ्योरी मेरे हिसाब में आपकी बाइट होनी चाहिए सर ओके पहला कौन है इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा सर कौन है बैलेंस शीट तीसरा कौन है स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और सर चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है क्या सर मुझे बताइए किसी भी कंपनी के लिए इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट बनाया तो चलेगा ये सभी बनाने पड़ेंगे सर सभी स्टेटमेंट बनाना जरूरी है क्योंकि देखो इसमें से हर एक स्टेटमेंट हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। कोई भी एक स्टेटमेंट सारी सारी जानकारी प्रोवाइड नहीं करता है। कोई स्टेटमेंट इसके बारे में बताएगा कोई बताएगा उसके बारे में जैसे कैश फ्लो बताएगा सिर्फ कैश के बारे में बैलेंस शीट बताएगा कितने खर्चे और कितने इनकम समझा बच्चों तो जो बातें आपका प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है वो बातें आपको बैलेंस शीट नहीं बनाएगी जो बातें बेटा आपको बैलेंस शीट बता रही है वो कैश फ्लो नहीं बताएगा इसके लिए सर आपको सभी के सभी स्टेटमेंट आपको साथ में बनाना चाहिए ओके okay. ओके सर देखिए सबके सब स्टेटमेंट सब हमें साथ में बनाने पड़ेंगे तो एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर ऑल दिस फोर स्टेटमेंट टुगेदर ओके सर अब इसमें से एक एक का बेसिक पर्पज समझ लेते हैं सर मुझे होता है बैलेंस शीट क्या बताता है बैलेंस शीट क्या बताता है फाइनेंशियल पोजिशन मेरा सवाल है बैलेंस शीट कब की बताएगा फाइनेंशियल पोजिशन इस साल की बताएगा या साल एंड की मान लीजिए बेटा जी आज एक साल खत्म हो रहा है आज तारीख है थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 हजार बाईस आज तारीख है थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस तो बैलेंस शीट मुझे ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू की इंफॉर्मेशन बता रहा है या थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस तक की पक्का तो बैलेंस शीट क्या बताएगा उस तारीख तक आपकी क्या पोजीशन है उस तारीख तक आपके पास कितना एसेट है उस तारीख तक आपके पास कितना लाइबिटी ये सारा बताएगा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन स्टेटमेंट ऑफ एन पोजिशन गिवन ऑन अ पर्टिकुलर डेट बैलेंस शीट कब बनाते एक डेट पे बताते जब भी देखे हम बैलेंस शीट बनाते बैलेंस शीट कभी ऐसे नहीं बोलेंगे बैलेंस शीट फॉर ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी नहीं बोलेंगे बैलेंस शीट क्या लेते हैं बैलेंस शीट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैलेंस शीट इज प्रिपेड ऑन पर्टिकुलर डेट बोल हाया ना बेटा बैलेंस बनाते सर पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं कि कितने एसेट है और कितने लाइबिटी बोल या ना सर पक्का सो वही सर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट क्या बताएगा इस साल की बात है क्या बताएगा इस साल आपके कितने खर्चे इस साल आपके कितने इनकम है इस साल कितने खर्चे के इस साल कितना इनकम क्या इस साल के एंड में आपके प्रॉफिट या फिर लॉस का क्या स्टेटस है ये कौन बताएगा इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बत, बनाएगा ओके बताए कोई दिक्कत बेटा जिसमें चलो अब देखो वही देखो सर नेक्स्ट कौन है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बेसिकली क्या बताएगा कैश के बारे में पैसा कहां से आ रहा है कहा से जा रहा कैश के के है कैश की से आ रहा? और कैश को किसके लिए यूज किया ये सारा कौन बताएगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट सब क्लियर है बेटा जी चलो दोबारा बताइए जनरल परपज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप कितने होते हैं चार बोलो कौन कौन सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट फिर बैलेंस शीट फिर कैश फ्लो फिर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कोई दिक्कत अब देखो इसमें से कुछ की पॉइंट बच्चों में मार्किंग करके जरा बच्चों को पता चाहिए सबसे पहले के सर अगर आपको बनाने है फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट भले आप बैलेंस शीट बनाइए भले आप पीएल बनाइए हमने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा था ये बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें दिया था इन द शेड्यूल 3 का भी आता है शेड्यूल 3 बट कौन सा सेक्शन उसके लिए मैं गाइड करता है ऐसा कंपनीज एक्ट का ऐसा कौन सा सेक्शन है वो जो बताता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने चाहिए तो सेक्शन कौन सा सर जी सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट दोबारा बताइए विच सेक्शन गिव्स द गाइडलाइन हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट और हाउ टू इनकम स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए उसके लिए बेटा गाइडलाइन कौन देगा सेक्शन 129 क्लिक हो रहा है क्या बोलो सर और शेड्यूल कौन सा सर थ्री शेड्यूल थ्री के पार्ट वन में क्या दिया है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और शेड्यूल थ्री के पार्ट टू में क्या दिया फॉर्मेट ऑफ क्या दिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलो हाया बताइए सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कौन सा सर इसके लिए कौन सा सेक्शन गाइड कर रहा है सेक्शन 129 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है शेड्यूल थ्री के पार्ट वन में शेड्यूल थ्री पार्ट वन और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पे है शेड्यूल थ्री के पार्ट टू ओके वैष्णवी जी बेटा आपका लेक्चर मंडे से होगा मंडे से होगा मंडे से होगा बेटा ओके चलो है ठीक ना चलो अब देखो सर वो इश्यूज फाइनेंशियल कोई भी कंपनी में फाइनेंशियल इशू कौन करता, करता है कब करता है नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मल बेटा हर कंपनी इशू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर कभी कभी कंपनी स्टेटमेंट बनाती है साल में एक बार या नॉर्मली नॉर्मली कंपनी इन्वेस्टर को और अच्छा डेटा देने के लिए नॉर्मली कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिनिमम फोर टाइम्स इन अ ईयर कैसे बना फोर टाइम्स मतलब हर क्वार्टर वाइज स्टेटमेंट बनाते हैं चार बार उसे चारा बना तो भी चलेगा ठीक है सर ये बेसिक था सर अब इसका देखिए सर यहां पे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी इश्यूज एटलीस्ट फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बेटा जी बेसिक बात है एग्जाम में आता आता है राइट ना क्वेश्चन आंसर क्या पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओके ये साल में मिनिमम कितनी बार बनाएंगे कम कम? होना चाहिए एमसी मार्ग तो पता होना चाहिए बेटा जी अब सर अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो इनके दो टाइप होते हैं एक होता है इंट्रीम स्टेटमेंट और दूसरा क्या होता है एनुअल स्टेटमेंट पढ़ा होगा बेटा नॉर्मली so, हम बैलेंस शीट या पीएल बनाते साल के एंड में ऐसे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयर के एंड में बनाते और जो पूरे साल के लिए बनाते जो ईयर के एंड में बनाते और पूरा साल मतलब क्या बारह महीने के लिए बनाते वो कौन है एनुअल स्टेटमेंट और ऐसे स्टेटमेंट जो बारह महीने से कम समय के लिए बनाते जो बारह महीने से कम समय के लिए बनाते हैं वो इंट्रीम स्टेटमेंट जो साल के बीच में कभी भी बनाते हैं वो क्या है इंट्रीम एनुअल कब बनाएंगे साल के एंड में वो भी साल में एक बार इंट्रीम कब बनाएंगे साल के बीच में कभी भी दो महीने बाद तीन महीने बाद छह महीने बाद अगर आपने बने बैलेंस शीट अगर आपने बने इनकम स्टेटमेंट तो वो क्या कहलाएगा इंट्रीम स्टेटमेंट तो देख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड फॉर द टाइम पीरियड स्मॉलर देन ईयर जो एक साल से कम समय के लिए बनाते वो क्या इंट्रीम स्टेटमेंट बोल एक साल से कम समय स्टेटमेंट नॉर्मल कैसे बनाते हैं हर क्वार्टर वाइज सेम मैन मतलब क्या हर छह महीने के लिए हम लोग बनाते हैं या कभी कभी जो मंथली रिपोर्ट हम लोग बनाते बराबर है और जो ऐसे स्टेटमेंट जो कब बनाते ईयर मतलब क्या साल में एक बार वो भी बारह महीने के लिए समय के लिए बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन सा सेक्शन आपको गाइड करेगा सेक्शन वन ट्वेंटी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां पे दिया शेड्यूल थ्री के पार्ट वन में और इनकम दिया है शेड्यूल थ्री के पार्ट टू में साल में कम से कम कितनी बार बनेंगे स्टेटमेंट चार बार कितने कम से कम चार बार जो स्टेटमेंट ईयर के एंड में एक बार बनता है वो क्या है एनुअल स्टेटमेंट और बारह महीने के कम से बनता क्या है इंट्रीम स्टेटमेंट ओके सर कैन आई गोहेड अब सर सवाल उठता है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो इसको यूज कौन करता है आप सबको पता है सर देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कितने यूजर है सर दो इंटरनल एंड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन है इंटरनल यूजर सर एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है सर ऐसा कहा जाता है इन्वेस्टर क्रेडिटर इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया क्रेडिटर जिन्होंने पैसा उधार दिए कॉम्पिटेटर जो आपकी कंपनी पे वॉच रख रहे और रेगुलेटर मतलब जो आपके कंपनी के कंप्लायंस को चेक करें ये सभी लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते ऑल दो दे आर एक्सटर्नल पार्टी बट दे विल कीप आई ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता मुझे एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आएगा सर इन्वेस्टर क्रेडिटर इन्वेस्टर क्रेडिटर कॉम्प्यूटर एंड रेगुलेटर ये सारे कौन है सर जी कौन से एक्सटर्नल है पक्का बेटा सबको समझ में आ रहा है क्या चलो क्या ना गोहेड अब नेक्स्ट देखिए सर ये बाकी टाइम पास कुछ काम करिए ओके उसके साथ देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करना चाहिए उसके लिए बेटा गाइड कौन करेगा इन द एस वन अब देखो इसमें अपने कुछ का अंदर का मैटर बेटा काम करने बस इसका नाम पता होना चाहिए इन द एस ये एस निकोने सर इन द एस याद है क्या इंडेस पता बच्चों इंड एस वन क्या बता रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब देखो इसका हेडिंग याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंड एस वन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्या बोल सकते हैं अब विच इंड एस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर कौन बताएगा इंड एस वन पक्का बेटा श्योरली अब देखो सर ये अगर आपको क्लियर है अब हम देखेंगे ये सब टाइम पास है अब काम की बात देखते भी अब देखो सर अब यहां पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए सर देखो हमें इंड एस वन क्या बता रहा है सुनो इंड एस वन क्या बता रहा है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए हमने पूछा इन डेज को पूछा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए तो इन डे सबसे पहले मैं क्या बता रहा सब पहले समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए पहले ये समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है वेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसमें क्या क्या आता है सर ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो आती है उसके अलावा पूरे साल के लिए जो पीएनएल बना रहे हो जो पूरे साल के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो जो पूरे साल के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे हो जो एडिशनल डिस्क्लोजर के लिए नोट्स टू अकाउंट बना रहे हो और उसके अलावा जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है मतलब पिछले साल से सा कंपेयर लास्ट ईयर क्या था इस साल क्या था जो कंपेरिजन के लिए बनाते ओके ये सारी बातें बेटा कौन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सभी बातें आती है ऐसा कौन बोलता है सर इंड एस वन इंड एस वन क्या बता रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन की तो सबसे पहले उनमें क्या क्या बातें आती है? पता होना चाहिए फिर मैं इन डेस वन को पूछा भाई जरा ठीक से बताओ कि ये जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट है पीले उसका स्ट्रक्चर क्या है उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए तुम्हारे बैलेंस शीट में तुम्हारे पेल में क्या-क्या कंटेंट होने चाहिए तो इन डे वन क्या हालत है भाई जॉब की बैलेंस शीट है अब जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में करंट एंड नॉन करंट चीजों को प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा जॉब के करंट एसेट है उसको अलग से शो करो जो नॉन करंट अलग से क्या करो शो आपको याद होगा मैंने बताया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताओ शेड्यूल 3 के पार्ट वन में एक बार रिवाइज करते हैं शेड्यूल थ्री के पार्ट वन में हमें बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट दिया नीचे क्या है एसेट ऊपर इक्विटी एंड लाइबिटी नीचे क्या है एसेट इक्विटी एंड लाइबिटी में कितने सब पार्टे चार कितने सब पार्टे चार पहला शेयर होल्डर्स फंड फिर नहीं बेटा पहला शेयर होल्डर फंड फिर क्या होगा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट हम मेन हेड की बात करें दूसरा क्या तीसरा क्या होगा नॉन करंट लाइब्रिटी फिर क्या होगा करंट ये इक्विटी एंड लाइब्रिटी के चार मेन हेड है बोलो क्या भी क्या शेयर होल्डर फंड फिर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट फिर नॉन करंट लाइब्रिटी फिर करंट लाइब्रिटी ये चार किसके पार्ट है इक्विटी एंड लाइब्रिटी के बोलो सर

करंट एसेट क्या है नॉन करंट क्या है प्रॉपरली शो किया था ऐसे एसेट जिनसे 12 मंथ के अंदर पैसा आ रहा है वो कौन है करंट एसेट ऐसे एसेट जिनसे 12 महीने के बाद पैसा आ रहा है वो क्या है नॉन करंट एसेट ऐसी लाइबिटी जिनका पैसा विद इन अ ट्वेल्व मंथ देना वो क्या है करंट लाइब्रिटी जिनका पैसा बारह महीने के बाद देना वो क्या, तो क्या नॉन इसको प्रेजेंट करो क्या बता रहा है तो हम लोग क्या करेंगे करंट नॉन करंट दिखाना पड़ेगा अब इस पर एग्जाम में घुमा फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासिफिकोवाइडेड एज पर विच इन एय आप कॉमन सेंस की बात है इनडेस वन क्या बता रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जो भी प्रेजेंट करोगे वो सबके बारे में कौन बता रहा है इनडेस भले तुम करंट एंड नॉन करंट अलग से शो करो वो भी कौन बता इन एस पक्का बेटा जी भले पता है क्या तुम बैलेंस शीट का कैश फ्लो कुछ भी फॉर्मेट शो करो सब कौन बता रहा है AS बता रहा है बोलो हा या ना क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है आपको क्लियर होना चाहिए सर मैंने क्या बताया सो व्हाट इज करंट करंट एंड नॉन यहां पे कैसे करेंगे जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए वो कौन है करंट और जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए वो क्या है नॉन करंट इसके अलावा तुम्हारे बैलेंस शीट में क्या क्या टाइप के शेयर है उनका टाइप उनका क्लास शो करना पड़ेगा कितने शेयर ऑथोराइज है कितने इशू किए थे शेयर का फेस वैल्यू क्या है ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा जब मैं चैप्टर नंबर टू का थेरी पढ़ाऊंगा तब तो अच्छे से बताऊंगा तब तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा हम डेफ में जाके देखेंगे कि भाई साहब शेयर कैपिटल में क्या क्या बातें शो करनी चाहिए डेटर में क्या क्या क्लास अभी तक तो डेटर तुम देख रहे थे बट डेटर में क्या क्या कैसे क् होते हैं स्टॉक में और क्या क्या सब पार्ट होते हैं कैश एंड कैश उसमें क्या क्या होना चाहिए ये सब डिटेल में बातें बेटा पे डिस्कशन करेंगे, 2 में सब दिया वहाँ पे। okay. अब देखो यहां तक क्लियर है ठीक है अब तक है सारा पार्ट टाइम पास था कोई मुश्किल था सारी थे बच्चों याद है क्या पक्का अब मुझे अभी ये नया कंसेप्ट क्या होता रहा है कि भाई फाइनेंशियल सेटमेंट के टाइप कितने थे, चार थे अभी पाँच हो इनका कोई दिक्कत नहीं पहला कौन है सर बैलेंस शीट वो पता है सेकंड कौन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तीसरा कौन है कैश फ्लो स्टेटमेंट चौथा कौन है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और, 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 और लास्ट का एक्सप्लेन अकाउंट याद है क्या yes. तो बताओ मुझे के अब सर पार्ट कितने पांच। बोलो क्या-क्या? इनकम स्टेटमेंट तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर चेंजेस इन इक्विटी और लास्ट में नोट या अकाउंट ये सब किसके पार्ट है के पार्ट है। बाकी सब टाइम पास यार ये सब इक्वेशन वगैरह सब कुछ काम करें बेटा जी इसमें जो कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटी होती है तीन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ये सब पता है देखो जो चीजें बेटा काम की उतना बताऊंगा मैं आपको अब सर मेन पार्ट अपना स्टार्ट हो रहा है इसके आगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन चैप्टर का नाम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन अब यहां से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिट करना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ स्पेशल आइटम होते हैं उन सबको कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए समझा बेटा अब यहां से मेन पार्ट है सर देखो जब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ स्पेशल आइटम तो सब देख सकते हो यहां पे सात स्पेशल आइटम दिए इस चैप्टर में पहला पार्ट क्या दिया डेप्रीसिएशन सेकंड क्या है? प्रोविजन थर्ड क्या है? रिजर्व फोर्थ क्या है? है? फिफ्थ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट कौन है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग तो यहां से पूरा पूरा जो एंटायर चैप्टर अभी चलेगा बेटा ये इन्हीं सेवन अराउंड घूमने वाला है ठीक है इसमें से एक पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था कौन सा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ओके बेटा वो थोड़ा बड़ा पार्ट था बेटा जी बाकी छोटे है फटाफट हो जाएंगे अपने पेजेस मत देखो पेजेस देखो तो बड़ा लगेगा ठीक है डरोगे डर जाओगे तुम ठीक है ना हाँ बेटा अब सुनो चलो चलो कमॉन कमोन अब हम फाइनेंशियल आए के स्पेशल आइटम कितने स्पेशल आइटम है सात पहला कौन है देखो सर हर कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रीसिएशन कैसे शो करना चाहिए सब मुझे पहले बताइए डेप्रीसिएशन शो करना इतना जरूरी क्यों है यस क्या बेटा ठीक है तुम वो तुम्हारा मैनेज कर लो ठीक है ना चलो सर बेटा मुझे बताइए मैं आपको सवाल पूछा था सर बेटा मुझे बताइए बातें बंद बेटा मुझे बताइए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था सर देखो डेप्रीसिएशन शो कर इतना जरूरी क्यों है बेटा बात समझना अगर तुमने बेटा स्टेटमेंट में डिप्रिशन शो नहीं किया तो एसेट दिखाए जाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे बट सर हर साल एसेट को असली वैल्यू पे शो करना अच्छे एवरी एसेट शुड बी शोन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो ओरिजिनल तो वैल्यू पे शो करने के लिए उस एसेट से डिप्रिशन लेस करना पड़ेगा बोलो हा या ना अब देखो सर अब यहां पे इस पे क्वेश्चन कैसे आता एग्जाम में डिप्रेशन को पता ही है।

यहाँ पे देखो बच्चों यहां पे चैप्टर में थेरी में ना जहा जहा वो ब्रैकेट करके देता ना वो लेसा कल वो ब्रैकेट है ना ये सबको बेटा जो अच्छे से मार्क करना है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल आइडिया बिहाइंडेशन सर डेप्रेशन के पीछे रियल आइडिया क्या है टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट ऑन इट्स बिकमिंग यूजलेस और ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल लाइफ बाय सेटिंग अ साइड बाई सेटिंग असाइड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर एंड अलाउिंग इट टू अक्यूमिलेट कुछ समझा कुछ नहीं समझा वेरी गुड बेटा ठीक है चलो मान लीजिए अब इसका मतलब समझाता बेटा मान लीजिए मैंने बेटा इस क्लासरूम के लेना मैंने इस क्लासरूम के बैठा दिए पांच ए सी बिठाई मैंने सुनो बेटा एग्जाम्पल देखे बेटा हाँ ओके सर पांच ए सी बिठाए ओके कभी लगता है बिठाए झड़ा करते रहते हैं, ठीक तो तो है ना घर में के नहीं करते क्लास में इसी के रिमोट को झड़ा करते चल हाँ सुनो बेटा तो सर एक अभी सुनना ना? अभी सुनो मान लो बच्चों देखो यहां पे जो पांच एसी सी बेटा है बेटा मान लीजिए मिला के सुनो बेटा ये सभी एसी के मिला मान लो तीन लाख खर्चा हो गया ओके okay, सर बच्चों मान लीजिए तीन लाख खर्चा हो गया ये कोने? फिक्स एसेट है लगाना क्यों जरूरी सर मुझे पता है मान लीजिए इस एसी का लाइफ पांच साल एसी का लाइफ कितना है पांच साल सर तीन लाख का एसी लिया था लाइफ कितना है पांच साल तो हर साल इस पे लगे डेपरी सेशन कितना साठ हजार एक सर पर्पस क्या होता है हर साल एसेड को ओरिजिनल शो करने के लिए उस पे से हजार का राइट ऑफ करना चाहिए, तो चाहिए। मान चलो आज मेरे तीन लाख ए सी बिठाए कितना है पांच साल मुझे पता एसी का लाइफ कितना है पांच साल पांच सालों के बाद जब एसी खराब हो जाएंगे मुझे नया एसी सी बिठाना पड़ेगा अब सवाल उठता है सर पांच सालों के बाद में सर सवाल उठता है पांच सालों के बाद में यह नया ए बिठाने के लिए पैसा कहां से आएगा हाँ बेटा जी अब पांच सालों के बाद इतना सारा पैसा अचानक से तो आ नहीं सकता उसके लिए अभी से कुछ ना कुछ तो बेटा जी जुगाड़ करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा आज जब मैंने ए बिठाया है मुझे पता है जैसे पहला साल खत्म होता है जैसे पहला साल क्या होता है खत्म मुझे पता चला पहले साल में इस ए पे डेप्रीशन लगा थाउजेंड। तो व्हाट आई विल डू मैं ए पे डेप्रिशन लगाऊंगा साठ हजार साठ हजार एसेट से तो काटूंगा और साथ में मैं काम करता हूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में एक प्रोविजन करता प्रोविजन फॉर एसेट प्रोविजन फॉर एसेट मैं प्रोविजन करता हूं और प्रोविजन में क्या हर साल साठ हजार का प्रॉफिट साइड में निकालता मान लो पहले साल मैंने समथिंग समथिंग प्रॉफिट कमाया होगा जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें साठ हजार का प्रॉफिट साठ और फंड साइड में निकालता हूं सेकंड ईयर अगेन मैं क्या कमाऊंगा प्रॉफिट उस से साठ आर का प्रॉफिट साइड में निकालूंगा ऐसे पांच सालों तक हर साल डेप्रेशन क्या करूंगा लेस करूंगा और जितना भी डेप्रेशन लगा उतना प्रॉफिट साइड में निकालूंगा ऐसे कब तक चलेगा पांच साल तक अब अच्छी बात क्या होगी जब पांच साल खत्म हो जाएगी जब ये एसी क्या होंगे यूजलेस हो जाएंगे एसी यूजलेस होने के बाद में लेकिन मुझे भी चिंता की बात नहीं क्योंकि हर साल मैंने साठ रुपए साइड में निकाले थे तो पांच साल में मेरे तीन लाख क्या हो गए जमा हो गए तो पांच सालों के बाद उस तीन लाख के प्रॉफिट से मैं आराम से नया ए ले सकता हूं बोल हाया ना अभी समझा गया बेटा जी तो डिप्रेशन दिखाना क्यों जरूरी है राइट ऑफ करना तो ठीक है पर उतना प्रॉफिट भी हर बार निकालना पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी एसेट यूजलेस होगा समझा क्या बेटा अब आप पढ़ो जो ब्रैकेट में दिए रियल आइडिया बिहाइंड डेप्रिसिएशन असली आइडिया क्या है टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट आपको अरेंजमेंट करना है किसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ तो एसेट अरे फ्यूचर में एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा कब

तो so, डेप्रेशन का पर्पज क्या होता है कि न्यू एसेड एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है इज़ नेसेसरी ऑप्शन ए में कुछ तो आएगा बी में कुछ तो आएगा सी में कुछ तो आएगा फलतू तो ऑप्शन है डी में लिखा होगा टू गेट द टू मेक द अरेंजमेंट फॉर न्यू एसे टू मेक अरेंजमेंट फॉर न्यू एसेड आपको लगता है अरे न्यू एसेड के लिए बाय डेप्रेशन क्यों लगता है डिप्रेशन किस पर लगेगा? Old asset पे लगेगा ओल्ड एसेट पे न्यू के लिए क्यों लगेगा उसको बाय करने के लिए क्यों लगेगा डिप्रेशन वो तो बाय के बाद लगेगा तो ऑप्शन डी क्या होगा गलत और बाकी फालतू तो तीन ऑप्शन में से क्या करोगे टिक मार करोगे समझा क्या बेटा जी तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट आंसर के आपको थेरी पता होनी चाहिए ओके सर सर, सर। मुझे होता हर साल जो डिप्रेशन राइट ऑफ करते हैं हर साल डिप्रेशन राइट ऑफ करते हैं वो कहाँ पे शो करते हैं हम लोग काम शो करते हर साल एसेट पे जो डिप्रेशन क्या होगा राइट ऑफ वो ट्रांसफर पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या शो करते बच्चों रिवेन्यू खर्चा या कैपिटल पीएनएल में क्या शो करते रिवेन्यू या कैपिटल पीएनएल में क्या शो करेंगे रिवेन्यू तो डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो प्रॉपर डेप्रीसिएशन आपको रिवेन्यू को चार्ज करना चाहिए मतलब पीएनएल को चार्ज करना चाहिए पक्का बेटा जी और सर जो कैसे निकालना चाहिए कौन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन बोलो रिगार्डिंग डेप्रेशन कौन बता रहा है एएस एटेन याद आ रहा है क्या आपको याद होगा मैंने बताया था इनिशियली के लिए एस सिक्स था एस सिक्स मतलब कौन था जैसे पुराना एस सिक्स डेप्रिशन चला गया क्योंकि नया ए एस टेन बोलता है कि भाई एस सिक्स अब तू डेप्रेशन बारे में मत पता मैं उसके बारे में बताऊंगा कौन बताएगा एस 10 इसके एरिया 6 को हमने हटा दिया समझा क्या तो रिकार्ड डेप्रिसिएशन कौन बताएगा एएस 10 अरे कल तक का अब देखो सर अब यहां पे इसके हेडिंग की पॉइंट बताने चाहिए नीड और ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन सर किसी भी कंपनी को डेप्रीसिएशन प्रोवाइड क्यों करना चाहिए सर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के लिए यहां पर पांच यहां पर ऑब्जेक्टिव है पहला टू असर्टन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अरे असली प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हर साल डेप्रीसिएशन पीएनएल को ट्रांसफर करना चाहिए छय कि तुम पीएनएल को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर ही नहीं करोगे असली प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा ये हम क्या पढ़ रहे बच्चों डेप्रिसिएशन शो करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है क्या पर्पस है बोलो भाई साहब डेप्रिसिएशन शो करने के पीछे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रू प्रॉफिट लॉस असर्टन करना ट्रू प्रॉफिट लॉस दिखाना सर दूसरा पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट चार्ज करने से हमें एसेट की क्या असली, मिलेगी असली ट्रू वैल्यू मिलेगी समझा क्या बेटा पहला पर्पज क्या है पीएनल का क्या मिलेगा ट्रू वैल्यू सेकेंड पर्पस क्या है एसेट का क्या मिलेगा ट्रू वैल्यू थर्ड पर्पस क्या है टू असर्टन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो डेप्रेशन भी लेना पड़ेगा अरे कॉमन सेंस की बात है बच्चों मान लो अगर मुझे इस पेन का कॉस्ट निकालना है तो पेन का कॉस्ट निकालने के लिए पेन के कॉस्ट में इसका प्लास्टिक कॉस्ट मटेरियल तो लूंगा इसके पास से लेबर कॉस्ट तो लूंगा और ये पेन जिस मशीन पे बना था इस मशीन का कॉस्ट भी क्या करूंगा वसूल एज अ डेप्रीसेशन तो किसी भी प्रोडक्ट का असली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए असल में प्रोडक्शन के लिए कितना कॉस्ट लगा उसके लिए भी डिप्रेशन शो करना पड़ेगा अरे समझा क्या सर so, चौथा पर्पज क्या है टू कैलकुलेट करेक्ट इनकम टैक्स कॉमन सेंस की बात है बेटा डिप्रीशेशन इज अलाउेबल एक्सपेंस इन द इन पीजीबीपी पता है ना बच्चों आपको प्रॉफिट गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन तो अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन का अगर प्रॉफिट निकालना है क्योंकि उस प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा टैक्स असली टैक्स की लाइब्रेटी निकालने के लिए असली प्रॉफिट पता ना? चाहिए उसके लिए आपको करेक्ट डिप्रेशन बुक्स में दिखाना पड़ेगा बोलो हा या ना। और सब पांचवा पर्पस क्या डिप्रेशन के पीछे हमारा प्रोविजन ऑफ फंड एंड रिप्लेसमेंट एसेट जो मैंने बताया बेटा जी अगर नया एसेट अगर आपको लाना है या इस एसेट किसी और से क्या करना है रिप्लेस करना है उसके लिए फंड का इंतजाम करना पड़ेगा उसके लिए अभी से कितना फंड का इंतजाम करना चाहिए उसके लिए डिप्रेशन पता होना चाहिए कि जितना डिप्रेशन कटेगा उतना फंड हम जमा करते जाएंगे क्यों तो टू बाय द न्यू एसेट इन द फ्यूचर अरे समझा क्या बच्चों बोलो सर डिप्रेशन को शो करने के पीछे हमारे कितने ऑब्जेक्टिव है पांच पहला टू अ सर्टन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट शो करना तीसरा एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करना चौथा करेक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेट करना और पांचवा नए एसेट को लाने के लिए पुराने को रिप्लेस करने के लिए फंड को प्रोवाइड करना समझा क्या बच्चों अब सर सवाल उठता है डिप्रेशन अभी ये समझ अब तक क्या देखा वॉट इशिएशन डिप्रेशन क्यों निकालना चाहिए आपसे से है हाउ टू फाइंड डेपरी सेशन वॉट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेपरी इसके ऊपर सब बच्चों एग्जाम में, में नहीं आएंगे बस नाम आ रहेगा मेथड का सर डेप्रीशन को निकालने के अलग अलग मेथड है पहला कौन है सर जी स्ट्रेट लाइन मेथड याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये किस पे लगता है ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड पे एसेट का जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस पर लगेगा डेपरी इसका नाम क्या है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसी का और एक नाम क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट क्योंकि यहां पे हर साल फिक्स डेपरिशन लगेगा पहले साल दस साल सेकंड ईयर दस साल थर्ड ईयर हर साल सेम है क्या, क्या नाम क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और इसी का और एक नाम क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड ये आपको पता होना चाहिए बोलो सर डिप्रेशन का पहला मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन मेथड एस एल एम मेथड उसका एक नाम क्या है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड उसी का नाम क्या है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड उसी का नाम क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड पक्का बच्चों नेक्स्ट होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है

एक साल बाद भी एक लाख के ऊपर दो साल बाद भी एक लाख वहां पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रेशन लगेगा बट ये मित्र क्या बोलता है भाई ऐसा गलत है पहले साल तुमने एक लाख पे डिप्रेशन लगाया ठीक है मान लो उस पर डिप्रेशन लग गया बीस साल वो डिप्रेशन काटने के बाद उसे रिड्यूस करने के बाद कितना आएगा अस्सी हजार उस रिड्यूसिंग वैल्यू पे क्या लगा डेप्रीसेशन जहां पे रिड्यूस होने के बाद या डिमिनिश होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे लगेगा डेप्रीसेशन वो कौन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो हा या ना पक्का सर ये मेथड क्लियर है क्या बच्चों बताइए डेप्रीशन को निकालने के लिए कितने मेथड है अभी दो, दो। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा Diminishing या फिर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड क्लियर बच्चों कोई दिक्कत जितने बच्चे ऑनलाइन है फटाफट बताइए सबको समझ में आ रहा है क्या बोलो हा या ना ऑनलाइन वाले बेटा चलो सब जिंदा ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा बोल रहा है में बेटा। वैसे तो में में बेटा। बेटा क्या पढ़ रहे है? जो मेथड हमें इंड ए एस वन ने प्रिस्क्राइब किए उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ओके बेटा अब सर देखो मुझे थे बेटा जी। पहला क्वेंटेप्री सेशन सर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोविजन एंड रिजोर्ट ये दोनों कंसेप्ट में पड़ेंगे प्रोविजन और रिजोर्ट क्या आपने इसके पे प्रोविजन शब्द क्या, क्या, है क्या? बोलो सर प्रोविजन रिजोर्ट आर देम दे स्पेलिंग अलग है क्या फर्क है पता किसको पता है जो भी बताए बोली प्रोविजन और रिजोर्ट बोलो मेरे भाई सुनो बेटा उसको बोलना चाहिए हाँ हाँ, ओके हाँ. Okay. तो आपके कहने से प्रोविजन मतलब किसके होता है फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है उस लॉस को एंटीसिपेट करने के लिए जो बनाते वो क्या प्रोविजन है बराबर है और रिजर्व मतलब क्या है जो प्रॉफिट साइड में रख रहे वो क्या है रिजर्व एक थोड़ा बहुत पर, पर्पज आपका आंसर सही है एनी अदर थिंग भाई हाँ तुझ वो सब बहन लोग है तू भाई है हाँ बोल हाँ वो भी हाँ ठीक है नहीं उसके लेकिन बाल ज्यादा है ना पता नहीं चलता ठीक है ना हाँ अभी तुझ भाई है हाँ, हाँ ओके बोले एक्सपेंस के लिए जो रखा वो प्रोविजन जो उन्हें बताया उन्होंने उसके पास उन्हें लॉन्स के बोला आपने क्या बोला एक्सपेंस के लिए ठीक है बेटा सही है एनी पॉइंट बस इतना सही बेटा जी देखो मान लीजिए बेटा जी अगर आपको आपकी कंपनी में पता है कि इस साल कुछ खर्चा करना है इस साल किसी स्पेसिफिक पर्पस के बड़ा बात समझना मैं शब्दों पे अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ खर्चा करना होगा उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए कुछ खर्चा होने वाला होगा या फिर आपको पता है कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर लॉस होने वाला होगा उसके लिए अभी से कुछ पैसा कुछ बुक्स में शो करना कुछ लॉस बुक्स में अभी से शो करना या कुछ खर्चा बुक में अभी से शो करना वो क्या होता है प्रोविजन वो क्या सर होता है प्रोविजन इसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने एक मशीन बाय किया मुझे पता है मैंने एक मशीन है मैं हर साल मशीन को शो कर रहा ओरिजिनल कॉस्ट पे किस ओरिजिनल कॉस्ट पे पर मुझे पता है कि हर साल मशीन पे डेप्रीसेशन लग रहा है वो डेप्रीशन मेरा कौन है एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को शो करना पड़ेगा उसके लिए क्या बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसेशन मुझे अगर लगता है कि मैंने कुछ माल बेचा था मुझे लगता है कि डेटर में से कोई बंदा पैसा डुबा सकता है जो पैसा डुबाएगा तो मेरा क्या होगा लॉस लॉस हो सकता है मुझे अंदाजा आ रहा है उसके लिए अभी से क्या करूंगा प्रोविजन करूंगा मतलब क्या फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते उनके लिए अभी से प्रोविजन करना वो कौन है सर जी प्रोविजन बच्चों अकाउंट में कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म क्या बेटा जी कभी सुना है क्या सर कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है एंटीसिपेट द लॉसेस डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट लॉस की अपेक्षा करो प्रॉफिट अपेक्षा मत करो गीता में भगवान श्री ने बोला था याद है या क्या कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो दैट वॉज कंजर्वेटिज्म समझा बेटा जी पक्का ओके okay, हाँ हाँ चल हाँ समझा बेटा जी पक्का तो सेम थी अकाउंट भी क्या बोलता है कि भाई लॉस हो रहा है उसकी अपेक्षा करो प्रॉफिट की अपेक्षा मत करो समझा क्या तो लॉस हो रहा है अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है सर जी तो लॉसेस के लिए अभी से तुम क्या रहो प्रिपेयर लॉस को अभी से बुक्स में शो करो ये सारे कौन होते हैं प्रोविजन पक्का बट कभी कभी क्या होता है आपको मान लो आपके कंपनी में आपको भयंकर प्रॉफिट होता है जब प्रता है इंसान का हमेशा क्या होता है इंसान पर जब पैसा आता है तो पहले क्या पैसा उड़ाने का कभी देख रहा मान लो एक तारीख घर से पैसा आया जब भी जिस घर से पैसा आता पहले इच्छा क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए कौन सा मूवी देखना चाहिए कौन से शॉपिंग के मतलब बहुत सारे बताया क्या दिमाग में ख्याल आते हैं और वही जब महीना खत्म होते है, आता नहीं बताया क्या कुछ इच्छा नहीं होती है बोला भाई मूवी कह रहे छोड़ना क्या रखा मूवी में पढ़ाई कर रहे दोस्त बोलता है नए कपड़े थे, क्या नए कपड़े में कौन देखने वाला अपने को ठीक है ना ठीक है ना कौन देखने वाला लगता ना? भाई भाई खाने के में। क्या करने का एक तारीख को होटल के खाने में थोड़ा बहुत नमक में क्या फालतू खाना पता क्या नमक में आज तेरा भाई नहीं खा आज तो बाहर खाएंगे बाहर से चाइनीज मंगाएंगे ठीक है ना समझा क्या होता ही ना होता ऐसा ऐसा तो सर देखिये ये इसके वजह देखो तो वैसे पता क्या होता है अगर मान लो किसी भी कंपनी में सर रिजोर्स सर मान लो किसी भी कंपनी में जब प्रॉफिट जब ज्यादा होता है तो कंपनी को भी सर प्रॉफिट उड़ाने की इच्छा होती है हाँ नहीं बट कंपनी प्रॉफिट ना उड़ाए इसके लिए कुछ प्रॉफिट को साइड में रखना जरूरी है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है उसके लिए प्रॉफिट साइड में रखना चाहिए तो हर साल प्रॉफिट में से जो पोर्शन हम साइड में रखते उससे हम लोग क्या बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं रिजोर्ट बोला हाया ना देखो एक्सपेंस होने वाला है उसके लिए बुक्स में शो करना वो क्या है प्रोविजन और सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को साइड में रखना वो क्या है रिजर्व अब एक फर्क क्या देखिए मैं और एक बता रहा हूं आपको पता है कि पीएनएल के तीन टाइप होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर प्रोविजन आर शोन इन दीएनएल अकाउंट प्रोविजन कहा शो होता है पीएनएल अकाउंट ओके बट नॉर्मली रिजोर इोन इन द पीएनएल एन इज नथिंग बट योर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिजोर्व को प्रॉफिट का बंटवारा अरे जब प्रॉफिट होगा तभी साइड में निकालेंगे ना तो प्रॉफिट साइड में निकाला मतलब प्रॉफिट का बंटवारा करना तो रिजर्व को ने अप्रोप्रिएशन रिजोर्व को ने पक्का सो वॉट इज प्रोविजन Provision is nothing but your liability. Provision में खर्चा होने वाला है उसका पैसा देना है खर्चा हो चुका है होने वाला है, तो जो पैसा देना है वो आपकी क्या है लाइब्रिटी अगर फ्यूचर में कोई भी लाइब्रिटी पे करनी है उसके लिए अभी से पैसा रखना वो क्या है प्रोविजन मान लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टैक्स आपको पे करना पता है उसको अभी से क्या करेंगे प्रोविजन फ्यूचर में बैड डे हो सकता है उसका अभी से क्या करेंगे प्रोविजन अरे कल का पक्का तो प्रोविजन इज अ अबी विच कैन बी मेजर डिग्री ऑफ एस्टिमेशन थोड़ा सा एस्टिमेट करके थोड़ा सा जजमेंट लेके जो लाइब्रिटी आप डिसाइड कर सकते वो क्या होता है प्रोविजन बात समझना ये क्या बता रहे हैं सर लाइबिलिटी दो टाइप के होते हैं जो एग्जैक्टली exactly पता है चलो मान लीजिए मैं दो बात करो मान लीजिए बताया क्या यहाँ पर देखो मान लो मेरे कंपनी में एक वर्कर काम कर रहा है मेरे कंपनी में वर्कर काम कर रहा है थोड़ा सा ध्यान दो बेटा ओके okay, ये थे बहुत जरूरी है पेपर बहुत ज्यादा आता है ठीक है थेरी और तुम बाकी लोग तुम क्या पढ़ाते कैसे पढ़ाते तुमको पता है कितना क्या क्या करा के लेते हैं ठीक है ना लेटर बोलना नहीं चाहिए होता मैं मतलब लिट रहा था क्या मतलब मैं लिट रहा था क्या पिछले अटैम्प में मतलब मैं कभी कभी ऐसे यूट्यूब पर देखता रहता हूं यूट्य देखता रहता होता है क्या, मैं, मतलब मैं, मैं है, है क्या? कुछ लोगों का मतलब लोग मतलब कैसे येड़े में निकालते कितने पागल में निकालते होता है कैसे पेड़ में किसी का नाम नहीं लूँगा होता है क्या लिटरे मतलब क्या सोचो मतलब कभी कभी पूरा दस बारह घंटा रिवीजन दस पार्टी रिवीजन में वो मतलब होता है दस बारह घंटे मैराथन में सिर्फ पता क्या अपने अकाउंट पढ़ा में ऑफ शेयर पढ़ा है प्रिफ्रेंस शेयर सब चीज़ ने किया बस ओनली इतना पढ़ पूरे सेम ए के बाईस चैप्टर में से वो कितना आता है हार्डली एक या दो पार्ट का आता है हाँ कि नहीं वो एक चैप्टर का भी आधा पार्ट है उसके ऊपर दस बारह घंटे का मैराथन तो बच्चा क्या मतलब पढ़ेगा भाई समझा क्या मतलब वो तुमको इतना सारा कंसेप्ट देखो ये सब मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना बेटा सेम ही नहीं है थेरी पढ़ना जरूरी ना जो चैप्टर तुम पढ़ा रहा हो इतना यूट्यूब पे सेशन ले रहा सब कुछ दे रहा कई हूं ले रहा हो तुम्हारा बेनिफिट ले रहा बेटा तुमको कभी ऐसे बोला क्या सर ये तुम सेल्फ थी बोला क्या तुमको कभी नहीं बोले मुझे पता कई के बोलो सेल्फ पढ़ने के लिए और तुम पढ़ोगे ना सेल्फ तुम पढ़ने को नहीं आएगा बेटा मत करो इसमें तुम्हारा नुकसान है ठीक है और तुम छोड़ो बता बाकी बहुत से बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने के ला कहाँ से पढ़ने के लाते डॉक्टर बोलो क्या आप मतलब देर आर मेनी स्टूडेंट बेटा बहुत से बच्चे ऐसे भी बताया के मतलब देखो कि जो क्लासे अफोर्ड कर नहीं सकते देखो मैं बोलो कि आज बताया क्या देखो कि मैंने चलो मतलब एक अच्छी बात अदा क्या यू आर यू आर गोइंग टू आप अफोर्ड बड़े कैसे अफोर्ड कर सकते हो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फीस पे किया है तो देखो वैसे भी रेगुलर बहुत सा कंटेंट दिया है ऐसे नहीं कि यूट्यूब तुम ये जो यूट्यूब में जितना कंटेंट दे रहा उसका कम से कम बोले कितने घंटे अपने क्लास में पढ़ा है बहुत से घंटे पढ़ समझा क्या लेकिन सर ये भी ज़रूरी यार तो ये सबके लिए कनेक्ट करना पड़ता है तो मतलब जितना करो बच्चा मुझे लगता है अगर वो अगर सिंसियरली अगर ध्यान दे रहा है आपको भी ध्यान देना पड़ेगा उतना सिंसर हमको पढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता मैं कभी मेरे महीने में कम पढ़ रहा हूं क्या कर रहा, रहा हूं सुबह से बड़ा पढ़ा, पढ़ा रहा हूं ठीक है ना इस जैसे पढ़ा कभी पढ़ा रहा हूं मना कर रहा हूं किसी चीज के लिए तो पढ़ो ना यार और इंपोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं डिफरेंस समझा रहा सब बता रहा हूं अपना टाइम पास चल रहा है करो ना इसके पर लेक्चर सारे मुझे बताओ सेवन थर्टी में आने से पहले मैंने कभी तुमको पूछा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करो दुनिया भर टाइम पास करो लेक्चर आखो तो दस फिर मैं तुमको जो करना करो मैं कभी रोका है क्या बस इतना रिप्त जब पढ़ा रहे लेक्चर टाइम में मत करो यार और अगर तुमको टाइम पास करना मैंने ये भी बोला अगर तुमको टाइम पास करना है नहीं बैठना होता है कोई दिक्कत नहीं बेटा बता क्या 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 यू कैट यूट्यूब लेक्चर को दे यूट्यूब में फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तुम लेक्चर देखो नहीं देख रहे कोई दिक्कत नहीं फिर तुम लेक्चर तुम सो के देखो तुम आईपीएल देखते हो लेक्चर देखो तुम दोस्त से बात करते लेक्चर देखो कोई डजन में डिफर नहीं पड़ेगा समझा क्या तो कहने की बेटा ये हमारा क्या था सामने अगर कहीं कह दी डिस्टर्ब होता है अपने लिए चलो ओके ये बच्चा बोला सर क्या अभी क्या आप आइसक्रीम टेट के बारे में बोल रहे थे क्या आप? वो दोपहर किसी याद है क्या माइक बंद था ना हाँ नहीं नहीं बेटा आइसक्रीम के बारे में हम सोच रहे थे लेकिन फिर बोला कि पता क्या मैं अभी आइसक्रीम खाऊंगा तो गला ख़राब हो जाएगा आ, तो फिर कलेक्शन ले नहीं पाऊंगी इसलिए मैंने बोला कि नहीं आइसक्रीम नहीं चाहिए आ? आ? चलो सर ठीक है सर चलो कंटिन्यू करो चलेगा पक्का चलो सर मैं बता था बता दू प्रोविजन का मतलब क्या होता है ऐसी लाइबिलिटी जो कैसे बता पाएंगे मान लो प्रेरणा अपने वर्कर है ठीक है ना ओके अच्छे से काम करके जाना पगार लेके जाना ठीक है ना हाँ हाँ चलो बेटा मान लीजिए बता क्या मान लो आज थर्टी फर्स्ट मार्च है थर्टी फर्स्ट मार्च है आज पता क्या प्रेरणा ने आज का पगार नहीं लिया ओके मान लो इसका पता है पगार है सौ रुपए वो ज्यादा बेटा ठीक है ना ये तो काम तो करती नहीं है आ, चलो ठीक हाँ. है ठीक है हाँ सुनो 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 बेटा सुनो बेटा आज का बेटा इसका पगड़ सौ रुपए ठीक है, है ना बट ईयर के में ये पगड़ लेके जाना भूल जाते हैं मैं उसको देना भूल जाता हूं ये क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या ये मैं लाइब्रेट बेटा जी बोला हा कि नहीं पक्का आप देखो मेरे बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में क्या लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं ठीक <laughs> है टेंशन मत दसों बढ़ाएंगे दसों बढ़ाएंगे दसों पर बुरा मत मानना ठीक है ना ऐश कर ले आ? आ? टेंशन नहीं करना काम ना दूसरे वर्कर हमारे पास है ठीक है ना <laughs> हाँ हाँ आहो वही है चलो 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 सुनो 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 आ चलो बेटा सुनो मैं बता रहा था सर सुने इसका मुझे सौ रुपए देने वो मेरा क्या है लाइब्रेटी मेरे बैलेंस शीट में सौ रुपए शो के लाइब्रेटी पर मान लीजिए इस साल मैंने कुछ प्रॉफिट कमाए उस प्रॉफिट मुझे क्या भरना है टैक्स आप मुझे ईयर के एंड में मुझे एग्जैक्टली exactly कितना टैक्स पे करना है मुझे पता होगा क्या नहीं क्योंकि आज साल खत्म हो रहा बाबा टैक्स का लाइब्रेट कब निकलेगा दो तीन महीने के बाद निकलेगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा लेकिन मुझे एक अंदाजा तो होगा कि भाई इतना टर्न हो चुका है उस पे इतना मतलब टैक्स बन सकता है तो मैं एक अप्रोक्सिमेट अमाउंट निकालूंगा उसे बोलूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मान लो वो बोलता है, मैं एक लाख रुपए मैं लाइब्रेट साइड में दो बातें लिखता हूं आउटस्टैंडिंग वेजेस हंड्रेड रुपीज एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वन लाख ये दोनों मैंने कहा लाइब्रेटी में फर्क समझिए उटस्टैंड ऐसी मुझे exactly पता 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 है 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 जो मुझे exactly पता है, provision for tax, ये liability जो मुझे मुझे पर ये नहीं पता है, हो सकता है कि एक्चुअल में एक लाख भी देना पड़ सकता है या उससे ज्यादा भी कम बट थोड़ा सा जजमेंट लेके थोड़ा सा एस्टिमेशन लेके जो लाइब्रिटी प्रेडिक्ट करता है प्रोविजन तो प्रोविजन इज नॉट अ

और मैंने पहले मॉडल में जहां जब कलर चेंज किया ना वो सब पढ़ने है okay. सब का है। कलर चेंज क्या ओके। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन सबको झेपा क्या बेटा जी पक्का कोई दिक्कत sir next one sir ji reserve reserve મતલક હે ઇટ ઇઝ નોટ અ लायबिलिटी रिजर्व लायबिलिटी નહીં જો પ્રોફિટ સાઇડ મેં નિકાલતા રિસોર્સ અマઉન્ટ સેટ અસાઇડ આઉટ ઓફ પ્રોફિટ જો પ્રોફિટ સાઇડ મેં નિકાલા વો ક્યાં હતા હે રિઝર્વ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર એપ્રોપ્રિએશન ઓફ પ્રોફિટ ઇટ ઇઝ નોટ અ ચાર્જ जो प्रॉफिट में से जो मुझे देखो जो पीएनएल में आते उसे बोलते चार्ज ऑफ प्रॉफिट जो PNL में क्या आता है और प्रॉफिट में से देंगे जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वो क्या होता है रिजर्व तो ये कौन है एप्रोप्रिएशन ये चार्ज नहीं है याद रखे बेटा ओके अब सर देखो एंड रिजर्व आर ऑल्सो नोन एज फ्लो बैक ऑफ प्रॉफिट बट ओबे मेरे पास इतना सारा प्रॉफिट है कुछ प्रॉफिट साइड में निकाला एज अ रिजर्व मैंने रिजर्व क्रिएट किया बट सर रिजर्व जो क्रिएट किया वो मैनेज काम में आ रहा है ना रिजर्व किसी और को दे रहा हो क्या सब प्रोविजन किसी और के लिए होता है रिजर्व क्या होता है अपने लिए तो रिजर्व का मतलब क्या है जो प्रॉफिट अपने साइड में निकाल के रखा वो क्या होता है रिजर्व चलो मान लीजिए बताया क्या आप लोग हर महीने कुछ तो पैसा कमाते हो घर में गुल्लक रखा है उस गुल्लक में क्या होते हो हर महीने जो भी पैसा कमाते उसमें से सौ रुपए डाला गुल्लक में डाला अगले महीने सौ रुपए क्या डाला गुल्लक में वो क्या हो गया आपका रिजर्व क्रिएट किया है आप बताओ रिजर्व किस और को देना है क्या आपके काम में आएंगे ना तो आप खुद का प्रॉफिट खुद पता के बचा रहे ना तो रिजर्व को ने? प्लो बैक ऑफ प्रॉफिट हम अपना ही प्रॉफिट अपने पास बचा के रख रहे वो क्या होता है रिजर्व वो प्लो बैक ऑफ प्रॉफिट है समझा क्या बच्चों पक्का इसे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं जनरल रिजोर्व डिविडेंट इक्विलेशन रखना अमाउंट ऑफ रिजर्व इफ द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस अगर आपने रिजर्व का पैसा जो पैसा रिजर्व में रखा है जो रिजर्व में रखा है वो बिजनेस के बाहर अगर आपने इन्वेस्ट किया उसे हम बोलते रिजर्व फंड याद रखना रिजर्व फंड किसका पैसा है का. इस लाख का प्रॉफिट हो गया एक लाख के प्रॉफिट में से दस हजार क्या निकाले साइड में वो क्या होता है रिजर्व मैं हर साल दस दस हजार का प्रॉफिट साइड में निकाल रहा हूं मेरे बैंक अकाउंट में दस हजार दस हजार क्या हो गए जमा हो गए एक बंदा आता बोलता है सर ठीक है तुम हर साल रिजर्व निकाल रहे हो लेकिन बैंक में पड़े पढ़े तुम्हारे पैसे खराब हो जाएंगे सर तो तुमसे काम करो ना जो बैंक में तुमने पैसा रखा ना वो कहीं पे क्या करो सर इन्वेस्ट करो ठीक है रिजर्व निकाला बट कहीं पे क्या करो इन्वेस्ट करो उसे पैसा बढ़ेगा ना तुम्हारा तो जो रिजर्व का जो पैसा निकाला है वो बाहर कहीं पे क्या क्या इन्वेस्ट किया उसे रिजर्व फंड बोलते ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है समझा क्या बेटा पक्का कोई दिक्कत बेटा अभी आपके काम का नहीं है सब चीजें ठीक है

ओके okay, नेक्स्ट क्या देख रहे ये पढ़ा था क्या? सर मैनेजरल मैनेजर को कितना 5%, 10%, 11%. जी, ये सर, कहां पे दिया है सेक्शन सर सेक्शन 197 आपको पता एक टाइम के लिए पांच दो के लिए दस ये सब बताया था बच्चों ये सारा हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया था पक्का इसके सब भी डिस्कस किए थे क्या सर कल कलेक्शन में एक पॉट पेंडिंग था अपना मैंने बोला था अगर आपको डायरेक्टर को रेमशन देना है तो दो केस इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस कल मैंने इनकेस ऑफ प्रॉफिट बताया था अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितना दोगे एक को कितना दोगे पांच दो को क्या दोगे दस ओवरऑल ग्यारह पार्ट टाइम को एक या फिर तीन पक्का बेटा ये सब कब दोगे इन द केस ऑफ क्या दोगे प्रॉफिट इन द केस ऑफ क्या दोगे प्रॉफिट बट वही बेटा मान लीजिए अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है अगर आपको क्या हो रहा है लॉस या प्रॉफिट है, है? है अब हम देखेंगे no देखो जब आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो, तो प्रॉफिट के ऊपर पांच टक्का दस टक्का दोगे और बट ऑब से जब आपके पास प्रॉफिट नहीं होता है तो आप प्रॉफिट का पांच दस टका दे नहीं सकते कि प्रॉफिट इच नहीं है तो पांच टका किसका निकालोगे दस किसका निकाल तो क्या करेंगे इन केस ऑफ नो प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस हम रेम्यूनोरेशन निकालेंगे बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल क्या इफेक्टिव कैपिटल का सिंपल मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया ना ओनर ने वो कौन होता है इफेक्टिव कैपिटल पता है कैपिटल 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 एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड याद क्या बेटा इक्विटी शेयर शेयर रिजर्व ऑल आर योर तो आपका जितना भी कैपिटल जिस कंपनी का कैपिटल क्या होगा कम वो रेम्यून क्या देगी कम जिस कंपनी कैपिटल क्या होगा ज्यादा रेम्यूल क्या होगा ज्यादा अब समझिए अब मैं बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट मैनेजल रेम्यूनिशन वेन देर इज नो प्रॉफिट तो यहां पर रेमोनेशन डिपेंड किस पर सर जी रेमेशन डिपेंड करेगा ऑन द इफेक्टिव कैपिटल सर किस पर डिपेंड करेगा इफेक्टिव कैपिटल पर डिपेंड करेगा बोलो हा या ना सर डिपेंड करेगा इफेक्टिव कैपिटल अब बात समझिए अब बात समझिए अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल पांच करोड़ या उससे भी कम है, अगर आपका कैपिटल पांच करोड़ उससे भी कम मतलब क्या है एक करोड़ दो करोड़ या निगेटिव है। उस केस में कितना देंगे रेमुडन साठ लाख पर ये बेटा जी साठ लाख पर एन ये मैं चूप बता रहा हूं पता है क्या कभी कभी एग्जाम फंसाने के लिए क्या करेंगे ऑप्शन में देंगे फाइव लाख पर मंथ आप बोलते सर फाइव लाख पर मंथ साठ लाख बताया था ना नालाइक साठ लाख पूरे साल का है तो महीने कितना जाएगा पांच लाख ये पता होना चाहिए साठ लाख पर एन का है अगर आपका कैपिटल 5 सीआर या 100 सीआर के बीच में कितना दोगे 84 लाख पर एनम अगर आपका कैपिटल 100 सीआर से लेकर 250 सीआर कितना दोगे 120 लाख दोगे समझा क्या और वही अगर आपका कैपिटल 250 सीआर है उसके ऊपर है तो क्या करोगे 120 लाख तो दोगे 250 सीआर तक 120 लाख तो दोगे और 250 सौ के ऊपर जितना भी कैपिटल जाएगा 250 सौ से जितना भी कैपिटल जाएगा, जाएगा। उसका हम देंगे पॉइंट परसेंट सीधा सीधा कैपिटल का पॉइंट जीरो परसेंट एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए अगर आपका इफेक्ट कैपिटल 3 सी है अब तो 5 सी में आ रहा है कितने देंगे रेमिनेशन 60 लाख पर एन अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल सेवेंटी वन है कहां पे आ रहा है पांच और 100 सीआर के बीच में आ रहा है क्या कितना देंगे सर अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल अगर एक सौ पचास करोड़ है पे आएगा? 100 और ढाई सौ के बीच में आ रहा है क्या कितना दोगे एक सौ बीस लाख अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल ढाई सौ सीआर या उसके ऊपर है ढाई सौ सीआर उसके ऊपर है तो कितना दोगे ढाई सौ सीआर तक का एक सौ बीस चलो मान लीजिए मान लीजिए अगर आप इफेक्टिव कैपिटल 280 है कितना आ रहा है 280 सीआर क्या 280 सीआर 250 सीआर के ऊपर है क्या क्या 280 250 के ऊपर है क्या तो 250 तक का 120 लाख तो मिलेगा 250 तक का 120 लाख तो मिलेगा और 250 के ऊपर कितना है टोटल कैपिटल 280 सीआर है 250 के ऊपर कितना है 30 जितना 250 के ऊपर है उसका हम क्या देंगे पॉइंट जीरो वन परसेंट उसका क्या देंगे पॉइंट जीरो वन परसेंट अरे समझा क्या बेटा सब मुझे बताओ कितना देंगे साठ लाख एटी फोर लाख एक सौ बीस लाख ये सब किसको देंगे बताए क्या हम किसको देंगे इन द केस ऑफ मैनेजरल पर्सन मतलब वोल टाइम ये सब किसको मिलेगा इसके अलावा कोई अदर अगर डायरेक्टर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी है जो उसको किसको मिलेगा मैनेजिंग डायरेक्टर को उसके अलावा जो अदर डायरेक्टर है उनका रेमनेशन क्या होगा कम उनके लिए कितना है बारह लाख सत्रह लाख चौबीस लाख ये सब लिमिट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्या हो गया सिंपल ट्रीप बताओ वन फिफ्थ यहां पर मैनेजर मैनेजर कितना है साठ लाख साठ लाख वन फिफ्थ करो बारह लाख पे के 84 फोर लाके 1/5 कितना क्या है क्या 120 लाख का वन कितना आ रहा है 24 लाख आ रहा है क्या फिर पे 24 प्लस पॉइंट जीरो किसको देंगे अदर डायरेक्टर समझाया क्या तो जितना भी तुम तो मैनेजिंग को दे रहे हो उसका वन फिफ्ट किसको देखे अदर डायरेक्टर याद रखे ये सब कौन है आपके मैक्सिमम लिमिट है कौन है इसे कम दे सकते हो क्या हाँ, हाँ ये मैक्सिमम लिमिट है इसे कम दिया तो चलेगा ज्यादा दे सकते हो क्या yeah. ज्यादा नॉर्मल दे नहीं सकते लेकिन इससे अगर ज्यादा अगर देना पड़ेगा तो आपको शेयर होल्डर के या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोलो हा या ना सभी को मैक्सिमम इसके नीचे दिया तो चलेगा पर कंफर्टेबल है क्या चलो शानदार जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है क्या बोलो सर देखिए पूरा क्लियर है अपने को। आप देखो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए उसका आइडिया क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कितना ही क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए इसे लॉस वाला सम कौर हो जाएगा अपना तो निशा आप पूछो सब पोर्टफोलियो कब स्टार्ट हो, कोई बता सकता है क्या बेटा मेरा कोई बता नहीं सकता बेटा किसी को पूछना भी मत और मैं बताऊंगा नहीं चलो सम पढ़ो ठीक है ना चलो सर ठीक है ना हाँ अब देखो सर आगे बढ़ लेते सर क्वेश्चन पढ़ा गया आप लोगों ने ओके सर क्वेश्चन में क्या बोला है मिसेज ज्योति ज्योति जी ज्योति नहीं है वेरी गुड बेटा ठीक है ना बड़े अच्छी बात है ओके ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाइज इंडिया लिमिटेड बहुत बकर दिया क्वेश्चन में अभी काम कराते देखो सर यहां पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट मैंने उसका पार्ट दिया है और उसको देख के हमें क्या बता रहा है कि मैक्सिमम रेवन्यूशन कितना पे करना चाहिए अब बताओ सर यहां पे अगर ठीक से देखोगे यहां पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना कंपनी सर कितना पीएनएल बैलेंस कितना है दस सब पीएनएल में दस का मतलब क्या है दस पॉजिटिव निगेटिव है तो कंपनी को क्या आ रहा है लॉस सिर्फ पीएनएल पॉजिटिव का मतलब क्या आ रहा है प्रॉफिटिव मतलब क्या है लॉस समझा बेटा इसे क्लिक क्या है कंपनी को क्या आ रहा है लॉस हो रहा है अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में क्या देंगे प्रॉफिट का परसेंट देंगे या फिर इफेक्टिव कैपिटल से उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया अब समझ लेते क्या क्या पैसा इफेक्टिव कैपिटल में आएगा सर सबसे पहले क्या दियाऑथराइज शेयर कैपिटल और पेडअप शेयर कैपिटल ऑथोराइज का मतलब क्या इतने का आर ने परमिशन दिया आर ने कितना परमिशन दिया है साठ सीआर का बट एक्चुअल में आपको मिला कितना है समझ तो आपका एक्चुअल कैपिटल कितना होगा जो ऑथोराइज है पेड़ पे अरे आर ने परमिशन कितना भी दिया होगा उसमें सारा तुम इश्यू कर रहे हो क्या पब्लिक सारा पैसा देगी क्या जितना पब्लिक ने पैसा क्या किया पे किया वो तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल तो कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हो पहले क्या चाहिए शेयर कैपिटल कौन सा लेंगे शेयर कैपिटल ऑथोराइज या पेडअप ओके सर पेडअप कितना सर जी दस यार. कितना सर जी दस यार वो तो लेना पड़ेगा सर नेक्स्ट क्या देखिए डिबेंशर रिजर्व पक्का सर कैपिटल में क्या होता है शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल रिज़र्व एंड सरप्लस याद रखिए यहां पे जब मैं बात करूंगा इफेक्टिव कैपिटल की यहां पे कौन आएगा शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तो सर रिजर्व एंड सरप्लस में डिबेंशर प्रशन रिजर्व आता है क्या वो आएगा ना क्योंकि उसको उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया है ओके उसका नेक्स्ट कौन है सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना अगेन पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस नेक्स्ट कौन है पी एन एल में लॉस हो रहा है जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट क्या होता है एड वैसे लॉस क्या होगा लेस नेक्स्ट कोनर रीवैल्यूएशन रिजर्व वो आएगा नहीं क्योंकि वो वो नहीं आएगा कि वो क्या क्या एक्सक्लूड किया देखो सर यहां पे हम लोग जब बात करेंगे इफेक्टिव कैपिटल की हम उसी कैपिटल की बात करते जो बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट हुआ है हम वही कैपिटल या वही रिजर्व या वही प्रॉफिट लेंगे जो बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट हुआ है कभी-कभी अगर आपको कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व ये बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता है ये फोकट का प्रॉफिट होता है अरे क्या और कैपिटल शुड बी इग्नोर तो यहां पे शेयर कैपिटल आएगा रिजर्व सरप्लस आएगा पर कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा हम सारे क्या लेंगे रिवेन्यू रिजर्व जो बिजनेस के ऑपरेशन से बनते हैं अब सर यहां पे क्या आता है रिजर्व रिजॉर्व सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्युएशन रिजर्व मान लीजिए मेरे बैलेंस शीट में ना बेटा मेरे बैलेंस शीट में एक एसेट था एसेट में एक बिल्डिंग था मेरे पास बिल्डिंग था पचास लाख का बिल्डिंग था ईयर केड में मैंने बिल्डिंग का रिवॉल्यूशन किया बिल्डिंग का रिवॉल्यूशन किया अब मुझे पता चलता है बिल्डिंग की कीमत होगी साठ लाख कितनी होगी सब बिल्डिंग पहले थी कितने की पचास लाख की रिवॉल्यूशन कितना हो गया साठ लाख सर अचानक से दस लाख बढ़ा पाएंगे सर बैलेंस शीट टैली होनी पड़ेगी बैलेंस शीट टैली करने के लिए तो तुमने एसेट में दस लाख क्या किए ऐड तो लाइब्रेटी में दस लाख ऐड करना पड़ेगा ना एसेट पचास लाख था कितना ऐड किया दस लाख तो लाइब्रेटी में भी दस लाख ऐड करना पड़ेगा क्या बोल दिखाओ के दिखाओगे दस लाख तो क्या बोलेंगे एसेट का हमने क्या क्या रिवैल्युएशन क्या एसेट का रिवैल्युएशन करने से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उससे हम क्या बोलते हैं रिवैल्युएशन रिजर्व बोलो हाया ना एसेट का रिवेल्यूशन करने से जो रिजर्व जो प्रॉफिट है वो क्या रिवेल्यूशन रिजर्व अब बताए इस रिवेल्यूशन रिजर्व में आपकी कोई मेहनत है क्या नहीं ना बेटा मान लीजिए बता क्या अगर आप बोलते हो सर हमारे घर में बहुत सारे अच्छे कैसी प्रॉपर्टी है कोई बच्चा बताया क्या अगर अपने बाप दादा के पैसों पर ऐश करता है हम उसको बोलते भाई इसमें तेरी कोई मेहनत नहीं है ये तेरे घर वालों का ना ये प्रॉपर्टी तेरा किधर है तो वैसे-वैसे वैसेट में मार्केट में बिल्डिंग के बढ़ गए कोई मेहनत है क्या कुछ काम किया तो जो मेहनत का पैसा है वह रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, वो कौन है कैपिटल प्रॉफिट है एंड ऑल कैपिटल प्रॉफिट शुड बी एक्सक्लूडेड समझा क्या बेटा तो इफेक्टिव कैपिटल में शेयर कैपिटल आएगा कौन सा ऑथोराइज पेडअप All, and surplus, आएंगे प्रॉफिट होगा तो एड होगा 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 तो तो क्या होगा? Less. क्या क्या नहीं 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 है Capital, resort, allowed, नहीं है Revaluation, part, नहीं है तो भी allowed, नहीं है भी भी ये आपका का वो उसको हमने एक्सक्लूड किया, किया अरे समझा क्या नालायको बोलो हा या ना तो सर करने से 10 प्लस दस प्लस बीस माइनस दस कितना आ रहा है 30 तीस तीस इफेक्टिव कैपिटल समझा क्या अरे स्पीड ठीक है बच्चों अभी क्या आएगा इफेक्टिव कैपिटल अब बताए से इफेक्टिव क्या टीसीआर आ रहा है वो किस रेंज में आ रहा है 5 सीआर और 100 सीआर के बीच में अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 और 100 सीआर के बीच में कितना निकालेंगे रेमन्यूरेशन 84 लाख पर एनम या 7 लाख पर मंथ साल का 84 लाख बोलो या महीने का 7 लाख 84 में 12 ना अरे जेब का पक्का कोई दिक्कत और इसके ऊपर अगर देना होगा तो क्या करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कोई दिक्कत सर सर नेक्स्ट होता है मुझे बताओ क्या डायरेक्टर को सिर्फ रेमोल्यूशन देंगे सर डायरेक्टर बोर्ड में टाइटिंग करेगा सर डायरेक्टर को रेमोल्यूशन तो मिलता है उसके अलावा उसको हम क्या देंगे सिटिंग फी देंगे क्या देंगे सर सर सिटिंग फी कितना दे सकते मैक्सिमम so, लिमिट कितना सर जी वन लैख तो मैक्सिमम पर मीटिंग वन लैख का मैक्सिमम लिमिट है इट शुड वन लाख तो मैक्सिमम कितना सर जी वन लाख ये लिमिट पता होना ये मैक्सिमम सिटिंग फीस है पक्का और याद रखे अगर आपके कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर कोई वुमन डायरेक्टर है पक्का उनको जो बाकी अदर डायरेक्टर को दे रहे ना उससे कम सिटिंग फी दे जितना अदर को दे रहे हो उससे ज्यादा दो या उतना ही दो बट उससे कम दे पक्का किस किस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है फिर वुमेन डायरेक्टर का सिटिंग फी नॉट बी लेस देन अदर डायरेक्टर उनको बराबर है उससे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए पक्का बेटा जी श्योर ले सर नेक्स्ट देखिए बाकी उसके बाद ये सब टाइम पास है अब देखो ये जो भी आपका रेमशन क्लॉज है नहीं है मैक्सिमम बोला मुझो जितना भी मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर आपको देना पड़ेगा पर अगर मैक्सिमम लिमिट के ऊपर दिया वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना तो आपको क्या लगेगी पेनाल्टी क्या लगेगी सर पेनाल्टी तो सर अगर आपने किसी भी डायरेक्टर को मैक्सिमम लिमिट के ऊपर दिया मान लो ऐसा मैक्सिमम लिमिट देना चाहिए था महीने का सात लाख देना चाहिए महीने का सात लाख आपने दिया दस लाख विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन देना था सात लाख दिया कितना दस लाख दिया, ठीक है एक्स्ट्रा दिया गलती होती कभी कबार तो उसके पास से क्या करना पड़ेगा दो साल के अंदर पैसा रिकवर करना पड़ेगा सर कितने साल में कुछ भी एक्स्ट्रा रेम्यूनेशन दिया है, उसको दो साल में रिटर्न करना पड़ेगा और अगर दो साल में आप रिटर्न कर नहीं पाए तो क्या लगेगा सर पेनाल्टी क्या लगेगा सर पेनाल्टी पक्का तो सर ये जो सेक्शन 197 है ना इसके प्रोविजन अगर आपने फुलफिल नहीं किए किसी भी चीज का इसमें डिफॉल्ट किया तो सर यहां पे, पे डायरेक्टर को वन लाख का पेनल्टी लग सकता है जो भी पर्सन इसका जिम्मेदार उसके सकता क्या वन लाख का पेनल्टी और कंपनी को पांच लाख का पेनल्टी लग सकता है कब अगर आपने सेक्शन 197 के प्रोविजन सेटिसफाई नहीं किए बताओ सर सेक्शन क्या बता रहा है अबाउट रेवनशन ऑफ मैनेजर अगर उसके कोई भी प्रोविजाई नहीं क्या कितना पेनल्टी है वन लैख फॉर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल और फाइव लैख फॉर द कंपनी समझा गया बच्चा लोग पक्का याद रहेगा अब सर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता हूं इसमें जो सी एस आर कॉन्सेप्ट बच्चा है सी एस आर एक बच्चा है उसके अलावा रिलेटेड पार्टी बच्चा है और सेगमेंट रिपोर्ट है तीन कौन से बच्चे बच्चों ये नेक्स्ट लेकिन में बताओ चलेगा क्योंकि एफ एम डिस्कशन है ना अपने को बाकी जितना आज पढ़ा सबको समझा क्या बेटा पक्का ठीक है शोली समझा हंड्रेड परसेंट तो बच्चों ऑनलाइन मुझे बता सबको समझा कर बेटा कल का टॉपिक कौन सा अपना कल कैपिटल बजटिंग ठीक है ठीक है अपने संडे को और कर लेते हैं संडे सेशन टाइम मिल जाएगा संडे को टाइम मिल जाएगा अपने को या फिर भी नहीं मिला तो मैराथन में तो कर दूंगा चिंता मत करो मैं करा कर दूंगा अच्छे से नहीं बताता हूँ एक कहा जाए ब्रेक नहीं नाला शुरू कर रहा हूँ मैं हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं ठीक है ठीक है

नहीं वो शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा शेड्यूल बिगड़ जाएगा बेटा जी ये चिंता मत करो प्रॉपर वो हो जाएगा ठीक है टेंशन हो तो बस ओनली बेटा कल का बड़ा सेशन आफ्टर में उतना चेंज है रिकॉर्डेड फॉर्म है बाकी सभी पूरा लाइव फॉर्म है बाकी सभी लाइफ फॉर्म है इसके बाद जितने भी। कल वो नहीं उसी टाइम में वो चीज कवर होगी नहीं हुआ सब आगे करें बेटा चलो ठीक है क्लियर है बेटा जी तो कल शाम में ईबी सेल है आपका ठीक है ना तो उसको भी से अटेंड करना कल शाम में चलो सर अभी हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कल वापिस बता रहा हूं कल शाम में सेशन नहीं है कल आफ्टर में सेशन है कल शाम में मेरा सेशन नहीं हो, कल होगा कल शाम में होगा मेरा सेशन रहेगा कैपिटल बजटिंग का वर्किंग अब सब बड़ा हो चिंता मत मतलब मैराथन में हो जाए सब करो कर जा, बेटा जितना चल रहा है उस पर ध्यान दो बेटा सब कुछ पॉसिबल नहीं एक साथ करना हर चीज को टाइम लगता है पढ़ने के लिए सर मुझे ना पोर्टफोलियो में क्या सीन है पोर्टफोलियो आता है नहीं आता क्या सीन है आता है सबको तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे मेरे रिवीजन के लिए यस थैंक यू सो मच संकेत बोला सब पुणे के फेस्टिवल्स के आ सकते हैं बार आ सकते हैं बड़े आ सकते हैं तो कोई दिक्कत पुणे के आसपास के बस सीसे पढ़ने वाले होंगे तो आज कोई दिक्कत नहीं है क्या हो गया चलो सर शुरू कर लेते वंस अगेन गुड इवनिंग को, चलो अब सर नेक्स्ट चैप्टर है अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अभी हम रिवीजन करेंगे पोर्टफोलियो का ओके मुझे बताइए ये चैप्टर में क्या सीन है आता है नहीं आता है, क्या सीन है चलो सर देखो ये चैप्टर सब सा बहुत सारे इसमें फॉर्मूला जैसे पोर्टफोलियो में सब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल है सब एक काम कर सर सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो के एक बार बेसिक फॉर्मुला में गोथ कर बेटा जी फिर इसके हम सम करेंगे चलेगा बेटा ये पूरा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर मैंने जानबूझ एंड में रखा है तो प्रैक्टिकल में आपको मतलब मजा भी आएगा चलेगा और आज कैलसी है क्या अपने साथ में क्या yeah. बात है क्या बात है अभी नहीं दो मिनट जाओ पहले मैं फॉर्मुला बता रहा हूं सर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुला इन द चैप्टर पोर्टफोलियो सर पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग द वर्ड पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मतलब बंच ऑफ सिक्योरिटी और बास्केट ऑफ सिक्योरिटी अगर कोई इन्वेस्टर मल्टीपल सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये सारे सिक्योरिटी मिला के दिस ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो अगर समझिए सर जी अगर आपको पढ़ना है अबाउट पोर्टफोलियो किसी भी पोर्टफोलियो क्या चल रहा है बच्चों देखना अगर सर आपको पढ़ना अबॉ पोर्टफोलियो सर किसी भी पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ने के पहले आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अब सिक्योरिटी सर हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला फॉर सिंगल सिक्योरिटी सर ऐसा कहा जाता है किसी भी सिक्योरिटी के बारे में आपको दो बातें होनी चाहिए तो सिक्योरिटी के बारे में दो फीचर पता होने चाहिए एक तो सबसे पहली चीज किसी भी सिक्योरिटी से कितना रिटर्न आपको मिल सकता है और दूसरा उस सिक्योरिटी में कितना रिस्क इन्वॉल्व है ओके बेटा जी मैं दोबारा बात कर रहा हूं समय जब भी बोलता हूं बड़ा सिंगल सिक्योरिटी से किसी भी सिंगल सिक्योरिटी बारे में दो बातें सब नोट बनकर बस बोर्ड पर दो रिगार्डिंग सिंगल सिक्योरिटी हमको मांगते दो बातें क्या क्या सर सर सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा और दूसरा उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है बोल बोला या ना अगर मुझे जानना है कि सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट अगर मान लो बच्चों आज मैं सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं धाने के को अगर आज मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपेक्षा करूंगा अरे सिक्योरिटी से एक साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या निकालना है सर सर इसको निकालने के दो तरीके होते हैं सर कभी कभी क्या करेंगे सर कभी कभी सब में क्या करेंगे आपको देंगे रिटर्न और उसकी प्रोबेबिलिटी तो, मतलब सब में क्या बोलेंगे मान लो आप किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपने पूछा भाई कितना रिटर्न मिलेगा तो क्या बताएंगे देख भाई रिटर्न दस भी, भी मिल सकता है या रिटर्न पंद्रह टका मिल सकता है या रिटर्न बीस मिल सकता है फिर बताएंगे रिटर्न तीन टाइप के हो सकते टेन परसेंट रिटर्न मिलने के थर्टी परसेंट चांस है टेन परसेंट रिटर्न मिलने की कितनी प्रॉलिटी है पॉइंट थ्री पंद्रह तक का रिटर्न मिलने के कितने चांस है पॉइंट टू और बीस तक का मिलने के चांस कितने पॉइंट फाइव सर हमको क्या दिया सर रिटर्न और उसकी क्या दिए प्रॉलिटी नहीं समझा सर हमको क्या दिया रिटर्न और प्रॉलिटी नहीं समझा सर अगर हमको सर रिटर्न और उसके क्या दिए प्रोलिटी और उसको देख के हमें क्या देख क्या बताना है कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट इसको हम बोलते ऑन एन एवरेज तो अगर आपको निकालना है एवरेज और रिटर्न इसका नोटेशन होता है एक्स बार क्या सर होता है एक्स बार उसका फॉर्मूला होता है समेस इंटू पी सबसे पहले देखेंगे सर फॉर्मूला सम से प्रॉपर पूरा बता दूंगा रिटर्न एक्स और उसकी प्रॉलिटी दिए और आपको जानना है कि कितना एक्सपेक्ट करोगे तो क्या निकालोगे एवरेज रिटर्न नोटेशन फॉर एवरेज रिटर्न एक्स बार और उसका फॉर्मूला क्या समेशन इन टू पी सर एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकालने का और एक तरीका है सीएपीएम मॉडल क्या सर सीएपीएम से अगर आपको निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न आर ई फॉर एक्सपेक्टेड ई फॉर एक्सपेक्टेड आर फॉर अगर देखना है हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्टेड तो सी ए पी एम में इसका फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आरए माइनस आर एफ पक्का बेटा बोलो सर सी एम में फॉर्मूला क्या होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर ए माइनस आर एफ बाकी आर एफ क्या होता है आर एफ सबको पता ही बेटा जी आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट आर एफ मतलब मार्केट रिटर्न बीटा क्या होता है बीटा या रिस्क फैक्टर समझा के बच्चों अब हम देखेंगे रिस्क सर हर सिक्योरिटी में दो बातें होती है एक तो कितना रिटर्न मिलेगा दूसरा कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस रिस्क को निकालने का साधन क्या है सिग्मा बच्चों बताइए सिग्मा को ने इंटरनल रिस्क एक्सटर्नल रिस्क सिग्मा को ने इंटरनल रिस्क सिग्मा को इंटरनल रिस्क उसी का और एक नाम क्या होता है अरे वो लॉकपा नालक उसको बोलते क्या इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं रिस्क और वही तो कौन होता है डाइवर्सिफाइबल रिस हो कुछ याद नहीं अपने को हाँ. तुमसे क्या है आँ. चलो सर सिग्मा निकालना है तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इनटू पी सिग्मा का अंडर रूट अंडरउुड एक्स माइनस एक्स बार वोल बार दोबारा बता रहा हूं सर रिगार्डिंग सिक्योरिटी हमें कितने मांगते फॉर्मूला सर तीन दो कंसे कौन से रिटर्न और रिस्क रिटर्न और रिस्क अगर जानना है कि सिक्योरिटी से कितना रिटर्न मिलेगा ओके okay. उसको निकालने कितने तरीके होते हैं पहला एवरेज रिटर्न नोटेशन क्या है एक्स बार क्या फॉर्मूला है समेशन एक्स इंटू पी दूसरा क्या है सी एपीएफ क्या फॉर्मूला है आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू अगर देखना कितना रिस्क इन्वॉल्व है रिस्क मतलब क्या है सिग्मा क्या फॉर्मूला है अंडरवुड समेत एक्स माइनस एक्स बार वोल स्क्वा क्या बच्चों बोलो हाँ या ना नहीं समझा और उस सिग्मा का अगर आप स्क्वायर करोगे वो क्या होता है वारायंस सिग्मा का स्क्वायर कैसा जो होता है वारायंस तुम वे बोला मैं वराइंस बोलूंगा मैं वही बोलेगा ठीक है ना यू सो मच समझने के लिए ठीक है सर ये को रे सर जी वायंस क्या सिग्मा स्क्वायर पक्का अब सर मुझे मॉडल में एक कंसेप्ट बीटा सिग्मा भी रिस्क और बीटा भी क्या है रिस्क है सिग्मा भी रिस्क और बीटा रिस्क है फर्क क्या है को ने इंटर रिस्क सिग्मा को इंटरनल रिस्क और बीटा को ने एक्सटर्नल रिस्क बीटा क्या बता रहा है कि मार्केट का हमारे सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी सिक्योरिटी मार्केट के लिए कितनी सेंसिटिव है वो कौन बताता है बीटा तो बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसिटिविटी इंडेक्स तो बीटा क्या बता रहा है हमारी सिक्योरिटी मार्केट के लिए कितनी सेंसिटिव है अगर सर बीटा निकालना है तो बीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है आर इंटू सिग्मा एस अपन सिग्मा एम याद आ रहा है क्या बोलो बीटा का फॉर्मूला क्या आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम आर को हम लोग क्या बोलते मत बोलो मैं बोलता हूं हाँ आर को क्या बोलते हैं कोई ऑफ टॉप कोरलेशन ऑफ फिशन टॉप कैसा नालायक हो वो कभी तो क्लास में फिर भी उसको पता है और उसमें पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग में नहीं थी वो लेक्चर पोर्टफोलियो के लिए बाद बीच में ज्वाइन नहीं थी पोर्टफोलियो में याद है मेरे को सब कौन बच्चा कब आता सब याद रहता है मेरे को ठीक है ना हाँ आ? आ? चलो r हम लोग क्या बोलते कोएफिशिएंट ऑफ r को क्या कहते कोएफिशिएंट ऑफ चलो सिग्मा मतलब क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इसको क्या बोलते स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी सिग्मा इस मतलब कौन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी और सिग्मा m मतलब कौन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट

तुम बेटा फाइनेंस मैनेजमेंट है तुमको असल में पैसा इन्वेस्ट करने का है ना तुमको पैसा कमाने का है यही तो पता होना चाहिए ना बड़े बड़े इन्वेस्ट इसी को पैसा कमाते हैं तुमको मैथ्स नहीं आता नहीं नहीं ठीक है ना होता है क्या मैथ्स का डर लगता है उसके लिए वो क्या उसका दिल का दर्द बाहर निकल रहा है ठीक है ना होता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या तुम्हें कैसे लेकिन ये मेन सब इंपॉर्टेंट है चलो चलो सर अब इस इसलिए क्वेश्चन देखे समझेगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग सिंगल सिक्योरिटी तो क्वेश्चन वन टू थ्री वेरी गुड बेटा टू के थ्री मुझे पता ही नहीं था ठीक है ना थैंक यू बताने के लिए फिर क्वेश्चन फोर देन क्वेश्चन फाइव देर क्वेश्चन नंबर नहीं ठीक है फाइव ये पहले पांच क्वेश्चन है बेटा रिगार्डिंग सिक्योरिटी ओके फिर हम जाएंगे पोर्टफोलियो की तरफ ओके चले सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन चलो पढ़े क्वेश्चन वन को देखिए पढ़ा फाइंड आउट एक्सपेक्ट रिटर्न ये बच्चे बोले सर ये फॉर्मला याद नहीं रहते बेटा फॉर्मोला याद रहते इसके लिए रिवीजन को प्रैक्टिस करो अपने रेगुलर क्लास वाले बच्चे सब याद है फॉर्मूला बेटा तो रेगुलर क्लास में कितनी बार किया था ठीक है ना अब फर्क पड़ा तुम कैसे पढ़ता तुम अगर चीज देखो चीजें तुम अगर एक घंटे में पढ़ोगे तो बेटा जो तुमको थोड़ा सा टफ लगने चला है अगर वही चीज तुम दस बारह घंटे पढ़ोगे तो ओबीसी बेटा आपको आसान लगे डिपेंड कर तुम कैसे पढ़ते हो उस हाँ निष्कर् समझते ठीक है ना समझ इशारा काफी है ठीक है ना हाँ चलो सर अब देखो सर देखो आ, यहाँ पे देखो क्या है रिटर्न और क्या दिया है सर रिटर्न मतलब कौन है एक्से मतलब क्या है रिटर्न कौन है सर एक्सए प्रॉल्टी क्या है पीएम आपको निकालना है क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालना क्या है क्या सुनो बेटा आपको निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न सर एक्सपेक्टेड रिटर्न को निकालने के कितने तरीके बताए थे मैंने दो मैं कौन सा अपलोड फर्स्ट है सेकंड एवरेज वाला तरीका है सी एपीएम मैं निकालूंगा एवरेज रिटर्न उसका नोटेशन क्या होता है एक्स बार क्या फॉर्मूला है समेशन एक्स इन टू पी देखो मैं कैसे एक्स पता है क्या पी पता है क्या लेटस प्रिपेयर कॉलम फॉर एक्स इन टू पी अबे खुबचे में कराओ चलेगा क्या एक्स पता है पी पता, पता है मैं कॉलम बना एक्स पी का एक्स को पी से मल्टीप्लाई करो पहले एक्स को मल्टीप्लाई करो पहले पी से पहले एक्स को मल्टीप्लाई करो पहले पी से ट्वेंटी टू पॉइंट टू क्या आएगा फोर थर्टीन टू पॉइंट मेरा मैथ वीक है आराम से आराम से बेटा आराम से थर्टीन टू पॉइंट टू क्या आएगा सिक्स फोर्टीन टू पॉइंट फोर क्या आएगा सिक्सटीन फिफ्टीन टू पॉइंट वन फाइव फिर एक्स को पी से मल्टीप्लाई किया फिर क्या करेंगे सम कितना थर्टी सेवन एक्स पी का सम आ रहा है यही तो कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न कभी मिलेगा 20 कभी मिलेगा 30 कभी मिलेगा 40 तो ऑन एन एवरेज कितना थर्टी सेवन इतना बारे में और इसी बता रहा, रहा बेटा जी पे सब में पूछा क्या आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने बार वो तो हो चुका बेटा जी बट सब में एज एडिशनल सपोज कभी सब में बोला है रिस्क निकालो या सिग्मा निकालो मैं सिग्मा भी निकाल के बता रहा बच्चों अगर यहां पे सिग्मा निकालना है तो सिग्मा को निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार गोल इनटू पी सर सिग्मा का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार इनटू पी पूरा खेल सब फॉर्मूला के देखो सर समेशन सिंबल के सामने जो है पहले करेंगे सर समेशन के सामने जो पहले करेंगे सर समेशन के सामने कोने

थर्टी माइनस थर्टी सेवन माइनस सेवन फोर्टी थर्टी सेवन थ्री फिर थर्टीन फिर पक्का सेवन से, मतलब क्या क्या सबका क्या करेंगे स्क्वायर सबका स्क्वायर करू क्या सभी एक्स में से एक्स बार मतलब थर्टी सेवन लेस के अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर ओके okay. वन कितना आएगा टू नाइन माइनस का स्क्वायर प्लस है ना सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन थ्री का स्क्वायर नाइन तेरा का वन सिक्सटी नाइन तेईस का क्या फाइव ट्वेंटी सबका स्क्वायर क्या क्या अरे देखो फॉर्मूला क्या सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार क्या क्या फिर उसका स्क्वायर क्या क्या अब उसको पी से मल्टीप्लाई करो पक्का अब ध्यान दो बच्चों एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर पता है क्या क्या प्रोलिटी पता है क्या दोनों को मल्टीप्लाई करो बोलो हाय या ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को मैं पी से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई ये तुम्हारा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ये तुम्हारा प्रॉल्टी पी है दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई समझा क्या चलाओ कैलसी टू एटी नाइन इंटू पॉइंट टू कितना आ रहा है फिफ्टी सेवन पॉइंट एट फोर्टी नाइन इंटू पॉइंट टू क्या आएगा नाइन पॉइंट एट नाइन इंटू पॉइंट फोर क्या आएगा थ्री पॉइंट सिक्स 169 पॉइंट क्या आएगा सिक्सटीन पॉइंट नाइन फाइव समझा क्या x बार x का क्या? उसे p से मल्टीप्लाई किया अब क्या करेंगे सम कितना सम आएगा 140 पक्का पहले माइनस एक्स बार फिर उसका क्या क्या स्क्वायर उसको पी से क्या क्या मल्टीप्लाई सबका सम कितना रहा है 150. 141. अब उसका क्या निकालेंगे रूट सर रूट निकाल कितना इलेवन पॉइंट इलेवन पॉइंट एट सेवन समझा क्या यही तो कौन है हमारा सिग्मा सिग्मा मतलब कौन है रिस्क और इस सिग्मा का स्क्वायर को तो क्या मिलता है वाराइस समझा क्या बच्चों चलो कॉन्फिडेंस आ रहा बेटा इसमें कोई तकलीफ चलो शानदार सरगुलर से बहुत सा क्वेश्चन किया पक्का बहुत बढ़िया अब सर क्वेश्चन नंबर टू यहां पे रिटर्न निकाला बड़ा अभी किससे निकालेंगे सी एपीएम क्वेश्चन टू को पढ़ेंगे प्लीज चलो क्वेश्चन टू पढ़ रहे हो कंपनी का बीटा कितना है 1 बीटा कितना है? चलो बीटा दिया है आर एम मार्केट आर एम कितना दिया है फोर्टीन रिस्क फ्री मतलब क्या है आर एफ कितना दिया है टेन सब कुछ दिया है और आपको निकालना है क्या है वॉट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न सब पिछले सब में एक्सपेक्टेड को निकालने के लिए क्या क्या ऑन एन पे सी ए पी एम में एक्सपेक्टेड का नोटेशन क्या है क्या वैल्यू पुट करू आर एफ मतलब रिस्क फ्री कितना है टेन बीटा कितना है वन पॉइंट फोर्टी आर एम कितना है फोर्टीन आरएफ कितना है टेन yeah. करू yeah. क्या सॉल्व पहले सॉल्व करो ब्रैकेट फोर्टीन माइनस टेन फोर फोर इंटू वन पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स प्लस टेन क्या आएगा फिफ्टीन पॉइंट सिक्स ये कौन एक्सपेक्टेड ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी yeah. खेल खत्म कौन मुश्किल है बच्चों yeah. सबको जेपा क्या yeah. इसी पार्ट एकदम चलो क्या है गोहेड सारे फॉर्मूला भी क्लियर है चलो अब सर इसी सी ए पी एम का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से पढ़िए सब पढ़ा बीटा कितना दिया वन पॉइंट फोर से लास्ट क्वेश्चन से बीटा दिया वन पॉइंट फोर बाद में क्या दिया मार्केटिंग क्या आता है कितना दिया टेन और क्या बोला इफ रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट गोज अप बाय टू पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट वॉट इज रिवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न अब सुनो आपको निकालना है क्या रिवाइज एक्सपेट आर ई निकालना है बोलो क्या फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा इन टू आर एम माइनस आर एफ सब चेंज बोला बताया क्या बीटा दिया आर एम दिया आर एफ दिया फिर क्या बोला बताया क्या कि सर क्या बोला है रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है टू पॉइंट फाइव परसेंट सर क्या बढ़ रहा है रिस्क प्रीमियम आर एम बढ़ रहा है बड़ा आर एम इज मार्केट रिटर्न रिस्क प्रीमियम क्या आता है आर एम माइनस आर एफ कोई पूछेगा रिस्क प्रीमियम कितना है तो क्या बोलेंगे आर एम माइनस आर एफ सर आर एम कितना है फोर्टीन परसेंट आर एफ कितना है टेन परसेंट आर एम फोरटीन परसेंट आर एफ क्या टेन परसेंट रिस्क प्रीमियम कितना है चार टक्का ना अरे समझा क्या र एम माइनस आर एफ कितना है चार परसेंट यह पुराना रिस्क में बच्चों ये रिस्क प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है टू पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट मतलब पहले चार टक्का था उसमें डायरेक्ट दा, एडिशन करना है चार प्लस टू पॉइंट फाइव करना है ठीक है चार प्लस टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट भी परसेंट में ये भी परसेंट समझा बच्चों रिस्क प्रीमियम क्या आता है आर एम माइनस आर एफ पहले निकाल रिस्क प्रीमियम वो कितना आ रहा था चार परसेंट वो कितने से बढ़ रहा है टू पॉइंट फाइव कितना हो गया इस रिवाइज रिस्क प्रीमियम के लिए आपको आर ई निकालना है? वही है, चेंज होगा आर एफ में कोई बदला टेन बीटा में कोई बदला आओ नहीं है सिर्फ क्या बदला है आर एम बदला है या आर एफ या आर एम माइनस आर एफ आर एफ वही है, बीटा वही आर एम माइनस आर एफ बढ़ रहा है कितने से 2.5 से कितना आ रहा है 6.5 करू क्या सॉल्व पक्का अब पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6.5 पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फोर क्या आएगा सिक्स पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फोर क्या आएगा टेन क्या आएगा नाइनटीन पॉइंट वन समझा क्या बच्चों कोई दिक्कत बस आर एफ माइनस आर एफ को बढ़ाना पड़ेगा कोई दिक्कत यार स्पीड ठीक है yeah. चलो कैन आई गो हेड अब सर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कंसेप्ट देखो सबको ध्यान से पढ़ना अब सुनो सिंपल थीम बताओ उसमें क्या है चलो मान लीजिए मान लीजिए अपने क्लास में एक बच्चा है राइट ना मैं उसको बोलता हूँ बेटा एक काम मैं उसको बोलता बेटा देख मुझे ऐसा लगता है कि तुझसे पता है क्या कि तू एग्ज़ाम में सेवेंटी मार्क ला सकता है इसे मुझे उम्मीद एक्सपेक्टेशन है तो अच्छा पढ़ता है तो एग्ज़ाम बताया क्या सेवेंटी मार्क ला सकता है उसे एक्सपेक्टेशन है ये मैंने सोचा है सत्तर मार्क ला सकता है बट क्या आता है उसके बाद ना थोड़ी उसका दोष आता है तो उसे बोलता है सर एक बोलूँ कि आपको सच्चाई बताता हूँ समझ जाना सर, जो दिखता है होता नहीं नहीं है। है, है ये फालतू तो सिर्फ क्लास में में करता ठीक ना? एक्चुअल कुछ पता क्या फालतू करता है, एक्चुअल में कुछ है तो है इस में कुछ नहीं। सर एग्जाम एक मतलब मतलब क्या, क्या था ओवर वैल्यूएशन किया था समझा क्या मैंने सोचा कितना औकात कितनी 40 से. है चालीस क्या औकात कितनी चालीस मैंने सोचा कितना था सेवेंटी वो क्या गया ओवर वैल्यूएशन समझा क्या बेटा पक्का और कोई छुपा रुस्सम होता है कोई नालायक क्लास में उसको मैं चैलेंज कर रहा बोला नालायक तो एग्जाम में पास होके देखा तो पास हुआ तो देख तो बिल्कुल नहीं पास हो सकता मैं से बोलो उसकी इज्जत निकालता पूरा हटाई करता हूं रिजल्ट आता है मार्कशीट लेके आता है सर 90 मार्क तू नाइंटी ले क्या सब क्या समझा आपको सर क्या समझा सर छुपे रुसे में सर आके हम छुपे रुसे में सर आके हाँ हाँ नहीं? तो सर ये क्या हो गया अंडर वैल्यूएशन समझा क्या बेटा इसे वैल्यूएशन करता नहीं मैं ठीक है ना नो वैल्यूएशन ठीक है ना चलो सुनो बेटा अब सर क्वेश्चन नंबर फोर अब देखिए सर यहाँ पे क्या है सुनो सर क्वेश्चन फोर में देखिए सर तीन स्टॉक है सर तीन स्टॉक है सुनो हर एक स्टॉक के लिए सर आपको रिस्क फ्री आर एफ दिया मार्केट आर एम हर एक स्टॉक का बीटा दिया आप क्या करो सीएपीएम से निकालो आर सीएपीएम से क्या निकालो आर सीएपीएम मॉडल आपको असलियत बताएगा सीएम मॉडल क्या बताएगा असलियत इस क्वेश्चन में हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है दिया है But ये एक्सपेक्ट किसने किया है मार्केट ने ये किसने एक्सपेक्ट किया है मार्केट अब हम से जो आएगा, अगर उससे तुमने ज्यादा एक्सपेक्ट किया होगा तो वो क्या होगा ओवर वैल्यूड और जितना सीएपीएम से एक्सपेक्टेड आ रहा है उसे कम तुमने सोचा तो है अंडर वैल्यू समझा क्या बेटा सीएपीएम के कंपेयर मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्ट किया तो क्या होगा तो ये कौन एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर मार्केट उसे कंपेयर किससे करेंगे एक्सपेक्टेड एज पर सीएपीएम स्टॉक बता रहा हूं एज पर सीएपीएम मॉडल मुझे आरई निकालना है रिस्क फ्री कितना है नाइन आरएफ नाइन है ना वो सभी स्टॉक के लिए सेम है क्या और मार्केट कितना है फोर्टीन आर एम सबके लिए सेम है क्या बस क्या चेंज हुआ है बीटा सर so, मुझे एक का निकालना एक्सपेक्टेड क्या फॉर्मूला है आर एफ प्लस पक्का आर एफ कितना है आर एफ कितना है नाइन बीटा कितना वन पॉइंट सेवन आर एफ आरएफ आर एफ सॉरी आर एम फोर्टीन आर एफ नाइन करो सॉल्व सेवनटीन पॉइंट या इस पर सी सीएपीएम सी ए पी एम कितना सेवनटीन पॉइंट फाइव रुक जाओ सुनो अब बी के लिए करते बी का निकालो बी का बाहर आ रहा है क्या ये कर लेंगे तुम लोग और यहां पे कितना आ रहा है कितना आ रहा है सर पंद्रह पंद्रह आ रहा है क्या अब मुझे बताओ सीएपीएम ने जो बताया वो सही या है गलत है सीएपीएम ने क्या आता है सही सीएपीएम असलियत बताएगा और मार्केट ने कुछ तो सोचा होता है सिक्योरिटी ए के लिए सीएपीएम ने कितना बताया सेवनटीन पॉइंट फाइव पर मार्केट ने कितना एक्सपेक्ट किया है एटीन सीएपीएम बोल रहा है मार्केट तुम ज्यादा सोच रहे हो सीएपीएम बोलता है मेरे को पता है इसकी असली ऑकर कितनी की 17.5 सेवनटीन पॉइंट फाइव पर मार्केट में कितना सोचा है आटा ज्यादा सोचा है क्या तो ये स्टॉक को ने ओवर वैल्यूड ये स्टॉक को ने ओवर वैल्यूड पहला ओवर वैल्यूड है स्टॉक बी के लिए सीएफएम कितना बता रहा है बारह मार्केट कितना बोल रहा है सीएफएम बोला मार्केट तो इसको अंडरमेंट कर रहा है ये बारह टक्का दिलाएगा मार्केट बोला नहीं ग्यारह दिलाएगा तो मार्केट ने क्या किया अंडर वैल्यूड किया सीएफएम बोल रहा है पंद्रह मार्केट बोल रहा है बारह तो करेक्टली वैल्यू ओवर अंडर और क्या आएगा ऑप्शन कौन सा आएगा ए कौन सा आएगा ओवर वैल्यू बी कौन सा आएगा अंडर वैल्यूड और सी क्या आएगा करेक्टली वैल्यूड ऑप्शन क्या आएगा नन ऑफ दिस अरे जेबते का अभी समझा सबको जो सी ए पे बताया वो असली है थे उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो ओवर वैल्यूड सी ए पे बताया उससे कम एक्सपेक्ट क्या तो अंडर समझा क्या तो ये सब उसके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए बोलो हाँ या ना पक्का हमने जो एफ एम में चैप्टर देख रहे सिक्योरिटी एनालिसिस आपको ध्यान तो होगा सिक्योरिटी में वहां पे थेरी में कंसेप्ट आता था अंडर ओर का इवन दो बताया क्या जब मैं पढ़ा था ऑफ वैल्यूएशन सीएम में, तो में वहां पे मॉडल में कंसेप्ट हमने बोला था ये आगे अपन पढ़ेंगे करके ये सब चीजें इंटरलेटेड है हर चीज का प्रॉपर समय होता है मैं सब चीजें कवर करूंगा बस कोई चीज यहाँ पे कवर कर, कर कोई चीज वहां पे कवर करूंगा ये सब कुछ करके जाना पड़ेगा ओके okay. क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है कोई क्वेश्चन सेम आ सकता है कोई एफ एम कोई भरोसा नहीं है ओके okay. अच्छा समझा सर थैंक यू सो मच जा रहे बाय बाय आराम जाना कभी जा चलो क्वेश्चन फाइव ए क्वेश्चन फाइव पूरे को चलो क्वेश्चन पढ़ा क्या पक्का ले क्या ले? पहले कोरेशन कोरेशन सर कोरेशन मतलब क्या है रेट ऑफ रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड सर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं फ्री सर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है रिस्क फ्री जो गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलेगा क्या होता है रिस्क फ्री मतलब क्या होता है आर एफ बोलो हा या ना सर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होते हैं रिस्क फ्री उनसे मिलेगा वो क्या होता है आर एफ और मार्केट रेट और मार्केट से मिलेगा क्या है पक्का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ़ पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो मतलब सिक्योरिटी पोर्टफोलियो तब सुनो आराम से सुनो सुनो रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड क्या होते हैं रिस्क फ्री उनका रिटर्न क्या होता है आर एफ रिटर्न ऑन मार्केट का आर फॉर रिटर्न मार्केट के लिए क्या होता है आर एम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा पोर्टफोलियो मतलब सिक्योरिटी सिक्योरिटी का जो सेंडवेशन वो क्या है सिग्मा एस और स्टैंडर्ड डिवेशन ऑफ मार्केट सेंडवेशन मतलब सिग्मा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट के लिए क्या सिग्मा एम डेटा समझ में आ रहा है क्या कोरेशन आर होता है सेंडोवेशन क्या होता है सिग्मा सब कुछ दो आपको क्या पूछा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सर एक्सपेक्टेड को निकालने के लिए मैं कौन सा अप्लाई करूं मॉड्यूल सी ए पी एम बोलो सीएपीएम एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या बीटा आर एम माइनस आर एफ कितनी बातें मांगती है तीन इसमें से आर एफ पता है क्या हाँ आर एम पता है क्या आर एफ पता है आर एम पता है आपको क्या मांगता है बीटा अब तक के समय बीटा दिया था ढूंढना पड़े। पड़ेगा अरे समझा क्या आर एफ पता, पता है बीटा ढूंढना पड़ेगा बीटा का फॉर्मूला क्या है आर इनटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम बीटा का क्या आर सिग्मा सिग्मा एस अपॉन एम आर कितना है आर कितना पॉइंट नाइन सिग्मा एस सिग्मा एम पक्का करो सॉल्व पॉइंट सेवन सेवन फोर नाइन एक चम बोलो रे सेवन फोर नाइन ना सुनो पहले मल्टीप्लाई को डिवाइड करो वन पॉइंट फाइव इंटू नाइन करो पॉइंट सेवनटी फाइव आता है पॉइंट सेट आ रहा बेटा बेटा आ रहा है पहले अभी एक बार मिल गया बीटा सबको समझा क्या पहले बीटा निकालना पड़ेगा बीटा का फॉर्मूला क्या आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम एक बार मिल गया बीटा कैन फॉर एक्सपेक्टेड आर एफ कितना आ रहा है फोर्टीन आर एफ कितना है ट्वेल्व पक्का आर एफ बारह बीटा पॉइंट सेवनटी फाइव आर एम फोरटीन है अरे बारह करो क्या सॉल्व पहले करो मल्टीप्लाई फोर्टी माइनस टू कितना आएगा टू टू इंटू पॉइंट सेवेंटी फाइव कितना आएगा वन पॉइंट फाइव प्लस बारह क्या आएगा थर्टीन पॉइंट फाइव सबको समझा क्या चलो शानदार ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या सर यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट हो गए सिक्योरिटी के झिपा क्या बेटा अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी अब देखो मान लीजिए हमारे पास दो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी वन और सिक्योरिटी टू समझ दो सिक्योरिटी फर्स्ट सिक्योरिटी का जो रिटर्न है उसे हम बार, बार का मतलब क्या आता है एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न बार क्या आता है एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड फर्स्ट सिक्योरिटी से जो रिटर्न तुम एक्सपेक्ट करोगे वो क्या होता है एक्स वन बार सेकंड सिक्योरिटी से जो एक्सपेक्ट करो क्या होता है एक्स टू बार पक्का पहले कटन क्या होता है एक्स वन बार दूसरे का एक्स टू बार सिग्मा मतलब क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन पहले के लिए क्या होगा सिग्मा वन दूसरे के लिए सिग्मा टू बोलो हा या ना और दो सिक्योरिटी में जो रिलेशन है वो क्या होता है आर आर मतलब को ऑफ कोरिलेशन अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है जरूरी है क्या कि दोनों में इक्वल इन्वेस्ट करोगे मेरा मेरे पास पैसा है सी में इन्वेस्ट क्या करूंगा ज्यादा किसी में कम तो हर एक में जो इन्वेस्ट किया उसका क्या होगा वेटेज मान लो मेरे पास सौ रुपए मेरे पास सौ रुपए सिक्योरिटी और सिक्योरिटी टू में फोर्टी सिक्योरिटी वन में अगर साठ रुपए इन्वेस्ट किया तो सिक्योरिटी वन का वेटेज क्या आएगा पॉइंट सिक्स सिक्योरिटी टू में अगर चालीस इन्वेस्ट किया वेटेज क्या पॉइंट फोर बोलो या ना नहीं समझा सर इसका वेटेज क्या हो गया W1 इसका क्या आएगा W2 अरे झेपा क्या बच्चों नहीं समझा X1 बार X2 बार मिल गया सिग्मा वन सिग्मा टू मिल गया R पता है दोनों वेटेज पता है अभी देखो मान लीजिए पहले सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है X1 बार दूसरे कितना है X2 बार पहले का वेटेज W1 दूसरा दूसरे वेटेज मान लो आप दोनों सिक्योरिटी कंबाइंड किए उससे क्या बना है पोर्टफोलियो क्या बनाए अब मुझे निकालना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो सर किसका निकालना है मुझे रिटर्न पोर्टफोलियो सर पोर्टफोलियो मतलब किसका वन का निकालना है टू का निकालना है कंबाइंड का सब पोर्टफोलियो मतलब वन का निकालना है टू का एक कंबाइंड अगर सर मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न निक, निकालना है मतलब कंबाइंड का उसका नोटेशन होता है एक्स वन टू बार नोटेशन फॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बताओ सर पोर्टफोलियो मतलब कंबाइटर का नोटेशन क्या होता है एक्स वन टू बार इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन बार डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू बार डब्ल्यू वन सबको झिपा कर बेटा डब्ल्यू टू सॉरी अगर मुझे निकाला रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो नोटेशन क्या एक्स वन टू बार क्या फॉर्मूला है एक्स वन बार डब्ल्यू वन एक्स टू बार डब्ल्यू टू अगर मुझे सब पहले का रिस्क पता है सिग्मा वन दूसरे का रिस्क पता है सिग्मा टू अगर मुझे रिस्क निकालना है पूरे पोर्टफोलियो का किसका रिस्क निकालना है पूरे सिग्मा स्टैंड फॉर रिस्क, सब पहले का रिस्क क्या होता है सिग्मा वन दूसरे का क्या है सिग्मा टू अगर दोनों का मिला के क्या निकालना है रिस्क सिग्मा वन टू सिग्मा वन टू किसका रिस्क है सर जी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डब्ल्यू टू स्क्वायर प्लस टू आर सिग्मा वन डब्ल्यू वन सिग्मा टू डब्ल्यू टू इसका ट्रिक याद आ रहा है क्या ये किससे मैच हो रहा है याद है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी याद आ रहा है क्या स्कूल का फॉर्मूला बस आर बीच मार याद आ रहा है क्या सर दोबारा बताइए पोर्टफोलियो दोनों का कंबाइन पोर्टफोलियो के रिटर्न का नोटेशन क्या है एक्स रिटर्न एक्स रिटर्न का एक्स वन टू बार क्या फॉर्मूला है एक्स वन बार डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू बार, बार पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है सिग्मा वन टू क्या फार्मूला है अंडर रूड सिग्मा वन स्क्वायर डब्ल्यू वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डब्ल्यू टू प्लस टू आर सिगमा वन डब्ल्यू वन सिग्मा टू डब्ल्यू टू जीपा क्या सर अभी इसको क्वेश्चन देखिए पूरा बार समझेगा अब सर लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर सिक्सारा क्लियर हो जाएगा ओके सबको समझा बेटा जी चल कितने खुश हो गए देखो ना सर क्वेश्चन सिक्स ध्यान से पढ़ेंगे पढ़ो संपूर्णालय को बच्चों क्या बोला मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट वन लाख इन द सिक्योरिटी मार्केट सब मिस्टर ए को कितना इन्वेस्ट करने का है वन लाख yeah. इन्वेस्ट करना है उसके पास दो सिक्योरिटी का ऑप्शन है कौन कौन से बी और डी पक्का मिस्टर ए को कितना इन्वेस्ट करना है वन लाख सर कितने सिक्योरिटी है बी और डी सर मान लो बी आपकी फर्स्ट सिक्योरिटी और डी कौन है सर जी सेकेंड सिक्योरिटी पक्का दोनों का रिस्क दिया है क्या सर रिस्क मतलब क्या होता है सिग्मा पहले का रिस्क क्या होता है सिग्मा वन दूसरे का रिस्क क्या है सिग्मा टू बोलो या ना सर पहले का रिस्क क्या है सिग्मा वन दूसरे का रिस्क क्या है सिग्मा टू सर बाद में क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब क्या है पहले का क्या होगा एक्स वन बार दूसरे का एक्स टू बार बोलो या ना सिग्मा वन सिग्मा टू दिए एक्स वन बार एक्स टू बार दिए और बाद में क्या है ऑफ कोरलेशन मतलब आर कितना हा या ना और आपको निकालना है क्या रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न किसका रिटर्न है पोर्टफोलियो मतलब एक्स वन टू बार और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वन टू पूछा ना पोर्टफोलियो के और इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपने क्या किया है ए ने बी में कितना इन्वेस्ट किया है फिफ्टी परसेंट और डी में कितना किया है ये क्या उसका वेटेज वो क्या है वेटेज सर देखो यहाँ पे मुझे पहले चलो एक बार प्रॉपर लिखते हैं सिक्योरिटी वन सिक्योरिटी टू दोनों का रिटर्न दिया है क्या देखिए बता एक्स वन बार कितना है बारह एक्स टू बार कितना है सर एक्स वन बार कितना है बारह एक्स टू बार कितना आ रहा है ट्वेंटी पक्का फिर सर सिग्मा वन और सिग्मा टू सिग्मा वन कितना है टेन सिग्मा टू कितना है दोनों का वेटेज दिया है क्या कितना वेस्ट किया फिफ्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट फर्स्ट का वेटेज क्या आएगा पॉइंट फाइव सेकेंड का क्या आएगा फर्स्ट का पॉइंट फाइव सेकेंड का क्या आएगा पॉइंट फाइव छिपा क्या बच्चों सर दोनों का वेटेज क्या दिया? .5. और .5. फिर आर कितना दिया सर जी पॉइंट वन फाइव दिया क्या अब मुझे क्या निकालना है सर क्या निकाल सर फोर फोर मतलब क्या है एक्स वन टू बार ना रिटर्न ऑफ कौन है पोर्टफोलियो क्या फॉर्मूला है x1 वन बार डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू बार डब्ल्यू टू स्पीड ठीक है वैल्यू प्रो x1 वन बार कितना है x1 वन बार बारह डब्ल्यू वन पॉइंट फाइव एक्स टू बार ट्वेंटी डब्ल्यू टू पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई फिर एडिशन पहले मल्टीप्लाई बारह इंटू पॉइंट फाइव सिक्स बीस इंटू पॉइंट फाइव दस प्लस दस सिक्सटीन समझा ना yes. ये क्या मिला रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अब रिस्क निकाल पोर्टफोलियो सिग्मा वन टू ना yeah. okay, okay, okay. क्या फॉर्मूला है अंडर रूके ओके 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 वैल्यू सर पुट करते हैं सिग्मा वन स्क्वायर बोलो सर सिग्मा वन कितना है सिग्मा वन टेन है सिग्मा वन स्क्वायर क्या आएगा हंड्रेड डब्ल्यू वन स्क्वायर डब्ल्यू वन कितना है पॉइंट फाइव स्क्वेयर क्या आएगा पॉइंट टू फाइव सिगमा टू स्क्वायर सिग्मा टू कितना आ रहा है एटीन स्क्वायर क्या आएगा तीन सौ चौबीस डब्ल्यू टू स्क्वायर डब्ल्यू कितना पॉइंट फाइव स्क्वायर पॉइंट टू फाइव फिर टू आर आर कितना आ रहा है पॉइंट फिफ्टीन सिगमा वन टेन डब्ल्यू वन पॉइंट फाइव सिगमा टू एटीन डब्ल्यू टू झेपा क्या कैलकुलेशन करेंगे के बेसिक फंडे फॉलो करो पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करो क्या पहले करो मल्टीप्लाई हंड्रेड इंटू पॉइंट तीन सौ चौबीस इंटू पॉइंट एटी वन पहले मल्टीप्लाई करो फिर यहां पे सबको मल्टीप्लाई टू इंटू पॉइंट पंद्रह इंटू दस इंट पॉइंट फाइव इंटू अठारह इंटू पॉइंट फाइव सबको मल्टीप्लाई करो थर्टीन पॉइंट इसको मल्टीप्लाई किया झेपा क्या पहले इन दो को मल्टीप्लाई फिर इसको फिर इसको पहले मल्टीप्लाई किया अब सबको क्या करोगे एड कितना एडिशन आ रहा है पहले मल्टीप्लाई किया फिर एडिशन क्या अब क्या निकालोगे रूट कितना आ रहा है टेन पॉइंट नाइन ठीक है एक्स वन टू बार सोलह आ रहा है क्या रिटर्न सोलह आ रहा है टेन पॉइंट नाइन थ्री ऑप्शन बी से मैच हो रहा है क्या रिटर्न 16 टेन पॉइंट नाइन थ्री को मुश्किल है कॉन्फ्रेंस आ रहा, बेटा जी? पक्का? हो रहा है आ रहा बेटा अभी पक्का ये बहुत पहले पढ़ा था अभी सब रिकॉल हो गया सब कुछ चलो क्या बात है शानदार वेरी गुड वेरी गुड बस जिन्होंने पहले नहीं पढ़ाई पर रिवीजन करो लेक्चर ऑफिस देखो बेटा जी अच्छे से चिंता मत कीजिए ठीक है बस वापस बता बच्चों कल अपना सेशन शाम में नहीं है दोपहर में है, चेंज है बेटा, कल शाम में दोपहर में कल दोपहर में कैपिटल बजेटिंग होगा चैप्टर इंपोर्टेंट है उसको मिस मत करना कैपिटल बजेटिंग को आफ्टरनून में ओके हाँ चलेगा চলো বাই বাই টেক কেয়ার টেক কেয়ার চলো খেয়াল রক বেটা আপনা গুড নাইট গুড নাইট